11th चैप्टर हमने स्टार्ट करना है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का। इस बुक से सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का 11th चैप्टर है एसएम यूसुफ में। मुझे नंबर याद नहीं है कि चैप्टर नंबर क्या है, बट उसको साथ अभी हम लेके चलते हैं। पहले इससे पूरी थ्योरी कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उधर से हम देखते हैं फिर कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ से देख लेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख रहा था, एज इट इज़ एमसीक्यूज आए हुए थे, तो जैसे पहले से ही कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम्पल्स जो सॉल्व होती हैं उनको ज़रूर किया करें और उनको याद रखा करें, उनके रिजल्ट्स को याद रखा करें, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो नहीं आना लेकिन रिजल्ट्स उसने पूछने। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स होता है और रेंज उसमें रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स का सबसेट होता है। इन्फिनिट सीक्वेंस ऐसा है जिसकी जो है कोई फाइनाइट टर्म ना आ रही हो, लास्ट टर्म ना आ रही हो। उसके बाद डिफरेंट ये एग्जांपल्स के मैंने सीक्वेंस की यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आगे हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि अगर हम एक सीक्वेंस की टर्म्स को टर्म नंबर को बढ़ाते जाएं और एक फाइनाइट डिस्टेंस के बाद उसकी टर्म जो है किसी एक नंबर की इक्वल हो, क्लोज होने लग जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो कन्वर्ज कर गया। अगर वो टर्म नंबर बढ़ाने से उसकी टर्म्स जो हैं वो आंसर्स जो हैं वो बढ़ते जाएँ तो हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस जो है डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्जेंस। और कन्वर्जेंस इसने यहाँ पे लिखी डेफिनेशन है ये एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन एंड डेफिनेशन जो है सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल इफ़ एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन। ये तो रियल एनालिसिस की डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा बहुत इसको देख लें बस। इसकी ग्राफिकली यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ये देखें अगर यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि देखें सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म उसके कॉरस्पॉन्डिंग सपोज ये डॉट आंसर आया, सेकेंड टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर आया, थर्ड टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर आया। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका जो आंसर्स हैं उनका एल से जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। मतलब ये बीच में एल पड़ा है, ये एल वाली लाइन है और ये ऊपर जो है एल प्लस एप्सिलॉन है और नीचे जो है एल माइनस एप्सिलॉन है। तो जैसे जैसे हम एन को बढ़ाते जा रहे हैं इस साइड पे उसकी जो आंसर्स हैं वो एल के क्लोज्ड ही रह रहे हैं, एल के क्लोज्ड है, उसके एप्सिलॉन जो रेडियस है उसके अंदर ही रह रही है। तो ये जो है इसको हम सीक्वेंस को कहेंगे कि एल को कन्वर्ज कर रहा है। और इसकी अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो इस लाइन में और अच्छी तरह से बताई गई है कि जैसे जैसे आप सीक्वेंस की टर्म्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो उसके जो आंसर्स हैं वो एल के रेडियस एप्सिलॉन रेडियस के अंदर ही रह रहे हैं, उसके एप्सिलॉन रेडियस से बाहर नहीं जा रहे। ये छोटा सा जो आप इसको कह लें कोई सर्कल कह लें या आप इसको इंटरवल कह लें इसी के अंदर इसका आंसर आ रहा है। ये तो बेसिक सीक्वेंस को हम कैसे चेक करते हैं, उसकी टर्म्स को इन्फिनिट है या फाइनाइट, सॉरी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आप एन अप्रोचेस इन्फिनिटी कर देते हैं तो चेक कर लेते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये ऑसिलेट करता है, आपको पता है 1-1 ये ऑसिलेट करता रहता है। ऑसिलेट करता था 1-1 के दरमियान तो ये डाइवर्ज करता है क्योंकि इसकी कोई फाइनाइट लिमिट नहीं आती, मतलब इसकी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं आती। सॉरी डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी मींस क्या है कि आप एन को बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी आंसर्स जो हैं जो लिमिट सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो भी एन की इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही हैं, दोनों मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को। ये कुछ बेसिक इसके रूल्स हैं लिमिट को फाइंड करने के, अगर दो सीक्वेंसेस प्लस हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स वही होती हैं जो सेपरेट करने के बाद उनकी आती हैं, अगर डिफरेंस हो तो लिमिट्स के डिफरेंस आता है इक्वल टू, अगर उनका प्रोडक्ट हो तो वो प्रोडक्ट की इक्वल आता है। हेलो शेबी, अच्छा जी प्रोडक्ट अगर हो रहा है दो सीक्वेंसेस का
ठीक है। प्रोडक्ट अगर दो सीक्वेंसेस का हो रहा हो तो वो लिमिट्स का प्रोडक्ट हो जाता है, अगर एक कांस्टेंट नंबर सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट लिमिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर दो सीक्वेंसेस डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी लिमिट भी जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। बहुत ट्रिवियल सी ये कुछ सीक्वेंसेस गिवन है जिनकी आपने फाइंड करनी है लिमिट। लिमिट एंड अप्रोचेस इन्फिनिटी, फर्स्ट एग्जांपल में देखें माइनस वन बाई एन है। आप इन चीज़ों को लाइट ना लिया करें कि ये एग्जांपल्स हैं, बस पढ़ ली हैं, इनको याद रखा करें, इनको सॉल्व भी किया करें, याद भी रखा करें। अब आगे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो एज इट इज़ पेपर में आई हुई हैं, तो लाइट ना लिया करें इन चीज़ों को। देखें ये चारों एक पार्ट्स इसके, पढ़ें इसको, अगर वो प्रॉब्लम आती तो पूछें। हाँ जी जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो इन एग्जांपल्स में? बहुत बेसिक सी क्वेश्चंस हैं, आप वही प्रोडक्ट रूल सम और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किए गए। अच्छा जी, सैंडविच थ्योरम वैसे फंक्शंस के अंदर भी आ जाता है, यहाँ पे भी वो इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर तीन सीक्वेंसेस इस तरह करके रिलेट किए जाएं कि तीनों के दरमियान एक जो सीक्वेंस है वो मर्ज हो जाए, तो जो साइड वाले सीक्वेंसेस हैं उनकी जो लिमिट होगी वही इन बिटवीन जो सीक्वेंस है उसकी भी लिमिट होगी। इसी को आगे इसने यहाँ पे यूज़ भी किया हुआ है, कॉज फंक्शन, साइन फंक्शन। आपको पता है कि जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया कॉज एन ओवर एन, तो अब ये आपको पता है कि माइनस वन इज लेस आर इक्वल टू कॉज एन इज लेस आर इक्वल टू वन, ये चीज़ आपको क्लियर है क्योंकि कॉज की जो रेंज है वो माइनस वन टू वन इंटरवल है। अब दोनों तीनों जो है इनको एन से डिवाइड कर लें तो ये फिर भी रिलेशन होल्ड करेगा, इज लेस आर इक्वल टू वन बाई एन। तो यहाँ से आपके पास, अब देखें ये सैंडविच वाली कंडीशन बन गई है, तीन सीक्वेंसेस हैं, इन बिटवीन जो है सीक्वेंस वो है जिसका हमने लिमिट फाइंड करनी है। इसकी लिमिट हमें पता है, जब हम इसकी लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी करते हैं एन अप्रोचेस इन्फिनिटी करते हैं तो ये ज़ीरो आ जाता है, इसी तरह इसकी भी लिमिट जब एन अप्रोचेस इन्फिनिटी करते हैं तो ये भी ज़ीरो आ जाता है, सो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली आगे वन ओवर टू पावर एन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आप, ये आपको पता है कि ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो रहेगा और इसका आंसर जो है वो वन ओवर एन से लेस रहेगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि टू पावर एन ग्रेटर नंबर है और इसमें एन जो है वो लेसर नंबर है, तो डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो वो नंबर बड़ा होता है। तो अब इसमें भी आप लिमिट्स चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे लिमिट ज़ीरो है, इसकी भी लिमिट ज़ीरो आनी है, तो इसकी भी लिमिट क्या आनी है, ज़ीरो आनी है। माइनस वन पावर एन, वन बाई एन, इसको आप खुद देख लें सी पार्ट को, तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं उसमें। कंटिन्यूटी थ्योरम, अब ये हम बार बार हम आगे यूज़ कर रहे होंगे, फंक्शंस को यूज़ कर रहे होंगे, फंक्शन की लिमिट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रही होगी। देखें अब जैसे अभी हमने एक सॉल्व कर लिया कि वन ओवर एन की जो लिमिट है वो ज़ीरो आती है। अब अगर इसके ऊपर कोई भी फंक्शन हम अप्लाई कर देते हैं, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एक्स पावर
थ्री बाई टू। एक्स पावर थ्री बाई टू मीन्स हमने इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो वन ओवर एन यहाँ पर पुट कर लिया, तो ये वन ओवर एन की पावर थ्री बाई टू इसी चीज़ की यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो ए एन अप्रोचेस एल है और एफ जो फंक्शन है दैट इज़ कंटिन्यूस एट एल, उस लिमिट पे वो कंटिन्यूस है, उस जो फंक्शन है वो उस लिमिट पे कंटिन्यूस है, तो उसकी जो सीक्वेंस उसके अंदर पुट करने से उसकी लिमिट वही होगी जो एफ ऑफ एल होगी। ये फंक्शन ज़ीरो पे कंटिन्यूस है, इसके अंदर ये सीक्वेंस पुट करने से इसकी लिमिट वही आएगी जो एफ एट ज़ीरो का आंसर आएगा। एफ एट ज़ीरो का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इस ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। आगे उसने एग्जांपल स्क्वेयर रूट वन एन प्लस वन ओवर स्क्वेयर एन इसका डिस्कस किया गया, उसने पहले इस चीज़ को देखें डिस्कस किया है, ये आपको पता है कि वन को अप्रोच कर रहा है, तो स्क्वेयर रूट एक्स उसके अगर हम अप्लाई करते हैं तो स्क्वेयर रूट उसका लिमिट का स्क्वेयर रूट आपने जस्ट ले लेना। अब इसमें इसमें भी देख लें टू पावर वन ओवर एन, अब इसमें देखें हमने वन ओवर एक मिनट क्या था टू पावर वन ओवर एन, अब इसमें हमें वन ओवर एन का अभी पता है कि ये ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं टू पावर एक्स अगर फंक्शन, और एक्स की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं वन ओवर एन पुट कर लेते हैं, तो ये उस किसको अप्रोच करेगा, ये एफ एट ज़ीरो का अप्रोच करेगा, एफ एट ज़ीरो का अप्रोच करेगा ये फंक्शन जो है टू पावर वन ओवर एन, मीन्स टू पावर ये किसको अप्रोच करेगा, मीन्स टू पावर ज़ीरो का अप्रोच करेगा जो कि वन की इक्वल है, ये इस थ्योरम के अंदर ये बात की जा रही है। आगे लॉपिटल रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लॉपिटल रूल के लिए पहले तो ये थ्योरम उसने बताया हुआ है कि सपोज दैट अ फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर एन ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन, देन लिमिट जो है फंक्शन की जो लिमिट होगी वही सीक्वेंस उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म की लिमिट भी वही होगी। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले थ्योरम की थोड़ा बहुत कन्वर्स की बात कर रहा है कि अगर फंक्शन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसकी लिमिट जो हमें मिल जाती है और फंक्शन जो है सीक्वेंस की टर्म्स की इक्वल आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस की nth टर्म की लिमिट भी वही होगी। आगे इसके दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखें नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन, आपने लिमिट फाइंड करनी है n अप्रोचेज इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन सा कंसिडर करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x, अब इसकी आप लिमिट इवेल्यूएट कर लेंगे, इसकी जो लिमिट होगी वही इस nth a n की लिमिट होगी, तो आप इसमें आपको पता है अभी हम डेरिवेटिव वाला चैप्टर करके आए हैं तो हम उसमें इसको ये क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप इसमें क्या करते हैं लॉपिटल रूल लगा देते हैं, ऊपर लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये वन ओवर एक्स और ये आ जाएगा वन, तो अब आपके पास ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी वन ओवर एन वन ओवर एक्स और ये ज़ीरो आ जाएगा एक्स यहाँ पे, तो इसकी लिमिट ज़ीरो है तो इसकी लिमिट भी क्या होगी ज़ीरो होगी। इसके ऊपर जी जी सर इसमें n डायरेक्टली क्यों नहीं चला, वो जिस थ्योरम की वजह से जी जी उस थ्योरम की वजह से वो फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं, और ये देखें ना यहाँ पे फंक्शन की लिमिट उसने उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कंसिडर किया उसकी लिमिट चेक की और उसी के आगे वो क्या कह रहे हैं वी कंक्लूड दैट इस जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट भी क्या होगी ज़ीरो होगी। सर n वेरिएबल ही है ना यहाँ, जी जी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया ना, ये देखें ऊपर वाले थ्योरम में कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ये कि आपके पास अगर एक फंक्शन है जिसको आप एसोसिएट कर सकते हैं उस सीक्वेंस की nth टर्म के साथ, ये देखें ना ए एन इज इक्वल टू क्या हो एफ ऑफ एन हो, एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर लें जिसके अंदर n पुट करने से सीक्वेंस की nth टर्म आ जाए, तो ये देखें ज़रा जो हमने एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कंसिडर किया है ये वाला एफ ऑफ एक्स इसके अंदर n पुट करें तो सीक्वेंस की nth टर्म नहीं बन जाती, तो आप इसकी जो लिमिट होगी वही क्या होगी इस सीक्वेंस की भी लिमिट होगी।
अच्छा जी, लॉपिटल रूल इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? आपको गिवन है लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी टू पावर एन ओवर फाइव एन, टू पावर एन ओवर फाइव एन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं टू पावर एक्स ओवर फाइव एक्स। अब इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम एन पुट करते हैं तो ये टर्म आ जाती है। तो हम इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं, इसकी लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी टू पावर एक्स ओवर फाइव एक्स। अब देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो लॉपिटल रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। टू पावर एक्स का डेरिवेटिव टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाई फाइव। अब इसको आप इवेल्यूएट कर सकते हैं, फर्दर इसको इवेल्यूएट नहीं किया जा सकता। आपको पता है एक्स के डेरिवेटिव्स लेते जाएं तो ये टू पावर एक्स ही चलता रहता है। ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को जैसे ही हम एक्स अप्रोच कराते हैं इन्फिनिटी को, क्योंकि इसमें वेरिएबल यहीं पे रह गया ना, और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, यही वेरिएबल है यहाँ पे। इस वेरिएबल को जब हम इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं टू पावर इन्फिनिटी मैक्सिमम ही चलता जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बढ़ता ही जाता है। तो ये हमारा फंक्शन जो है हमेशा क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब इसमें आपको गिवन है लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एन प्लस वन ओवर एन माइनस वन इसकी पावर एन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आप एक फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैं इसको वाई का चले नाम दे देता हूँ, वाई इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन पावर एक्स। तो दोनों साइड्स पे आप क्या कर लेंगे, अब ये आपको याद होगा हमने थर्ड चैप्टर आई थिंक सो एस एम यूसुफ का सॉल्व किया है, मुझे थॉमस का याद नहीं है बट एस एम यूसुफ का आई थिंक सो थर्ड चैप्टर था। नेचुरल लॉग ऑफ वाई आप ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। स्टूडेंट मौजूद हैं राहिया, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आप मुझसे क्वेश्चन कर रही थी। अब देखें हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब लिखे ना लिमिट अगर हम इसके अंदर लेते हैं तो लिमिट इसकी हमारे पास क्या है, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स और ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, इसको चाहें तो सेपरेट कर लें चाहें तो एज इट इज़ रखें, सेपरेट भी किया जा सकता है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ये एक्स डिवाइडेड बाई वन ओवर एक्स। तो अब लॉपिटल रूल हम लगा लेते हैं, लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वेयर माइनस वन ये एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन और ये माइनस एक्स स्क्वेयर। अब सॉरी ये माइनस वन आएगा, माइनस टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर अब लिमिट आपके पास अभी क्या चल रही है, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी माइनस प्लस टू नहीं हो जाएगा, हाँ सॉरी प्लस टू हो जाएगा टू और ये एक्स स्क्वेयर यहाँ से कॉमन ले लें। वन माइनस एक्स स्क्वेयर
या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास लिमिट जब आप पुट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। ये आपके पास लिमिट मौजूद। अच्छा ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या चल रहा था, नेचुरल लॉग ऑफ वाई चल रहा था, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई पावर 2 आ जाएगा। सो लिमिट उसने बता दी कि इसकी लिमिट ये आएगी। अब ये आपको रिजल्ट याद रहने चाहिए, ये काफ़ी आगे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। थ्योरम 5 इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी, 0 आता है। सेकंड पार्ट देखें, n की पावर 1/n और इसकी लिमिट क्या आती है, 1 आती है। ये देखें आप इसको एक बार लिख लें कि लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n इज 0 टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n स्क्वेयर nth रूट। अब ये देखें बेसिकली क्या चीज़ है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n पावर 1 ओवर n। अब ये देखें हम कैलकुलस में भी उधर हम जो वेरिएबल की फॉर्म में हम इसको देख रहे थे वहाँ पे भी यही फॉर्म बन रही थी, पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे पावर 0 बन रही है, 1 ओवर इन्फिनिटी टाइप बन रही है, तो पावर 0 बन रही है तो इसका आंसर 1 आएगा। थर्ड देखें आपके पास है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी x पावर 1 ओवर n इज 0। ये कब होगा, जब x जो है वो उसका मॉड लेस देन 1 होगा। जब x आपका मॉड लेस देन 1 होगा मींस x कहाँ पे लाइक कर रहा है, x आपका लाइक कर, मैं सॉरी इस चीज़ के आगे सॉरी एक स्किप हो गया। x जब मॉड आपका लेस देन 1 होगा मींस आपका x जो है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, माइनस 1 और 1 के दरमियान लाइक कर रहा है ना, या 0 और 1 के दरमियान लाइक कर रहा है, उसका मॉड जो है वो लेस देन 1 तक भी हो सकता है, माइनस 1 और 1 के दरमियान आपका लाइक कर रहा है, तो उस वक्त इसकी जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। ऊपर वाला भी देख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी x पावर 1 ओवर n इज 1, x मॉड जो है वो कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। तो अब ये आप देख सकते हैं ये वही चीज़ इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है कि आपने यहाँ पे इसके अंदर क्या लिया है, n लिया है, और यहाँ पे आपने x ले लिया, वेरिएबल ले लिया, उसकी पावर क्योंकि 0 हो रही है तो वो आप उसको 1 लिख रहे हैं। ये अगर आपको याद हो पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे, मुझे 11 या 15 का कोई पेपर याद है, एज इट इज़ यही क्वेश्चन था, किसी को याद है? जी सर। अगर नहीं याद तो मैं भी आपको पेपर दिखा देता हूँ। ग्यारह का है या 15 का है, दोनों में से कोई एक पेपर था, एज इट इज़ ये MCQ था वहाँ पे। यस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पढ़ा है। एज इट इज़ आपका आया हुआ है ये, और ये सेकेंड ईयर में भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 6 सॉरी, इसका पार्ट 6 में क्या आ रहा है, डिवाइडेड में अगर n फैक्टोरियल आ गया तो x पावर n जो है इसकी लिमिट जब हम लेंगे तो वो 0 आएगी। देखें चीज़ को, देखें लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी x पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और ये अप्रोच करेगा 0 को। अब इसमें बेसिकली समझने वाली चीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो स्लो इंक्रीज होती है बट फैक्टोरियल जल्दी इंक्रीज होता है। आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बनाएं, अगर अप्रोच कर रहा है 0 को, n इंक्रीज करते जा रहे हैं, अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब डिनोमिनेटर जल्दी इंक्रीज कर गया है,
डिनोमिनेटर जल्दी इंक्रीज करेगा तभी ये जीरो को अप्रोच करेगा, अगर नोमिनेटर जल्दी इंक्रीज करेगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि नोमिनेटर की इंक्रीज करने से ओवरऑल आंसर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर की इंक्रीज करने से ओवरऑल आंसर छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको जीरो को अप्रोच करा, इट मींस जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है, पावर से बड़ा होता है, जल्दी इंक्रीज होता है, पावर से जल्दी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, जैसे जब हम एन को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर जल्दी इंक्रीज होता जा रहा है, ऊपर एक्स उसने फिक्स किया हुआ है ना, एक्स को उसने फिक्स किया हुआ है फॉर एनी एक्स, आप एक्स एक फिक्स करके उसको लेके चलेंगे, सपोज आप टू ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू फर्ज करें टू ले लेते हैं, टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, तो आप देखें टू का स्क्वायर क्या आता है, फोर आता है, और इसी की जगह अगर नीचे फोर फैक्टोरियल आ जाए तो ये 4 फैक्टोरियल 24 आ जाता है, तो इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू आगे चेंज करते जा रहे हैं तो आपका ये जो इसमें डिनोमिनेटर है वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है जी, सो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फिर से रिजल्ट्स हैं, आप देखें, ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ n स्क्वायर ओवर n, तो पहले तो नेचुरल लॉग का रूल आप यूज़ कर सकते हैं, टू स्टार्ट में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n, तो अब ये कि टू को अगर सेपरेट करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n, आपका सिंपल वही चीज़ बन गई है जो आप फर्स्ट पार्ट में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उसकी लिमिट जीरो है, तो साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है आपका जीरो ही रहेगा। n स्क्वायर का nth रूट, तो ये आप क्या लिख सकते हैं, n पावर 2/n, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, वन आएगा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये वन आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपके पास ये बनेगा n पावर 1/n और उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर जो है वो आपके पास कुछ जो पावर के नीचे है वो फंक्शन आपका वन आ गया, तो स्क्वायर लेने की वजह से वो वन ही रहेगा। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट देख सकते हैं, थर्ड पार्ट में भी n पावर 1/n और 3/1/n, 3/1/n आपने क्या किया है ये देखें ज़रा, 3/1/n ये वाला केस, 3/1/n, और दूसरा आपका क्या है, n/1/n, यही जो ऊपर इस पार्ट में यूज़ किया है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर होगी। -1/2 n, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज, चलें उसको हम उधर नहीं छोड़ें, उसको उधर नहीं लेके जाते, आपके ये क्या बन रहे हैं, वन बाई, देखें ना मॉड ऑफ x लेस देन वन, तो 1/2 का मॉड लें तो लेस देन वन ही रहता है, और उसकी पावर n ले रहे हैं तो अप्रोच करेगा ज़ीरो को। अच्छा जी, ई पार्ट और एफ पार्ट आप लोग देख लें, जल्दी से देखें ताकि हम आगे चलें, इस पर मज़ीद टाइम नहीं हम लगाना चाहते।
एफ पार्ट में वो क्या बोल क्या कह रहे हैं? ये आपकी ऊपर अभी हमने डिस्कस किया ना, एक्स पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे उसने किया है 100 पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, एक्स की जगह 100 पुट किया है, तो ये किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ऊपर अभी हम उसका जनरल पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी सर। इसमें जो है फाइबोनाची सीक्वेंस आप ज़रूर देख लें, इसमें फाइबोनाची सीक्वेंस की पहली टर्म वन, दूसरी टर्म वन और अगली टर्म्स कैसे आती हैं, प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करते जाते हैं, ये सीक्वेंस जस्ट आप इसमें याद रख लें। फाइबोनाची सीक्वेंस, फाइबोनाची की नंबर्स, पहली टर्म वन, दूसरी टर्म वन और आगे वाली जो टर्म्स हैं उनको हम उसी में प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म आती जाती है, इसमें स्पेशल टाइप यही है। नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ऑब्वियसली जो इंक्रीज़ कर रहा हो या इक्वल टर्म्स आ रही हो, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, टाइम लग रहा है इस पर। बाउंडेड क्या हो, अपर बाउंड या लोअर बाउंड उसका एग्जिस्ट कर रहा हो, अपर बाउंड कोई ना कोई हो उसका या लोअर बाउंड उसका हो, बाउंड फ्रॉम अबव और बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, इसका सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के साथ क्या लिंक है? अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम क्या कहता है? अगर नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो जो है अपने नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड अबव फ्रॉम, अगर एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है आपके पास तो वो अपनी जो लीस्ट अपर बाउंड है उसको कन्वर्ज करता है, अगर उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है तो वो उसी को ही कन्वर्ज करता है अगर नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है आपके पास। एक्सरसाइज में अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं इसके क्वेश्चन में नहीं जाना चाहता, जनरल क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें तो उसने कहा है कि पहली दूसरी तीसरी टर्म्स बताएं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक भी यही, आगे 13 से 22 तक फिर से वो पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस आपको गिवन है, आप इसकी जनरल टर्म बताएं। असल जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का काम है वो आपका 23 से स्टार्ट होता है, तो 23 से ऑनवर्ड आप क्वेश्चन देखें, खुद से आप इसको देखें और फिर डिस्कस करें कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती, क्योंकि जनरल फॉर्म्स हम इनकी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिक फॉर्म अब आगे क्वेश्चंस हैं आप इसको खुद फिर देख सकते हैं। आगे सीरीज़ आ जाती है, सीरीज़ का मतलब क्या है कि सीक्वेंस के टर्म्स को जब आप ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज़ बन जाती है, इन्फिनिट सीरीज़, फाइनाइट सीरीज़, इन्फिनिट सीरीज़ नॉर्मली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें जो एक आम सी शक्ल है वो कौन सी सीरीज़ है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ इन्फिनिट सीरीज़, इसका सम का फार्मूला फर्स्ट ईयर में देखते हैं, ए वन ओवर वन माइनस आर, और आर जो है वो उसका मॉड लेस देन वन होना चाहिए, ये यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपके पास एक सीरीज़ है जिसमें एक रेशो कॉमन आ रही है और आप उसमें क्या कर रहे हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स किस तरह से उसकी रेशो के साथ बढ़ती जा रही हैं, आप उसका इन्फिनिट सम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है? ए ओवर वन माइनस आर फर्स्ट टर्म और वन माइनस आर, और आर मॉड जो है वो लेस देन वन, अगर ग्रेटर देन वन है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है आप लोगों का। अब इसमें एक सीरीज़ इस टाइप की डिस्कस की गई है जिसमें 1/3 उसकी कॉमन रेशो आ रही है, बहुत ट्रिवियल से चीज़ें, मैं इनको डिटेल में नहीं जा रहा, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर देखें सबसे पहले आपसे जब क्वेश्चन आ जाए तो उसमें देखें कि अगर ये सीरीज़ बन रही है तो फिर तो आपका सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछा है तो फ़ौरन से आप उसमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस भी टेक कर सकते हैं, अगर आपको उसकी रेशो पता चल जाती है कि उसकी कॉमन रेशो क्या आ रही है। बाउंसिंग बॉल क्वेश्चन तो लेंथी है बट आप लोगों को आइडिया होगा, फर्स्ट ईयर में भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आप एक बॉल जो है किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं, एक क्रिकेट बॉल है जो टेनिस बॉल, अगर किसी हाइट से आप नीचे फेंकते हैं फर्श के ऊपर तो आपको पता है कि वो बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक करती जाती है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि वो सपोज आपको पता चल जाता है कि जो फर्स्ट टाइम जब आप उसको बाउंस करते हैं तो वो आपसे 27 मीटर्स की हाइट से, ये क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, 27 मीटर्स की हाइट से आप उसको नीचे फेंकते हैं तो सेकेंड टाइम जो है उसकी जो हाइट है वो 2/3 कम हो जाती है, फिर थर्ड टाइम 2/3 और कम हो जाती है, तो ये एक किस्म की इन्फिनिट सीरीज़ बन जाती है। इस
थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने यहाँ से बॉल नीचे फेंकी 27 मीटर्स की हाइट से, तो अब आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम ये वापस आती है, अब ये देखें आइडियल केस ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब ये वापस आती है तो इसका डिस्टेंस जो है वो 2/3 कम हो जाता है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। फिर जब ये नीचे आएगी इसी तरह फिर वापस जाएगी, 2/3 और कम हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, जो इसकी हाइट है सॉरी, वो 2/3 कम हो रही है। तो अब ये देखें सीरीज़ आपकी बन रही है और ये सीरीज़ जो है ये इन्फिनिट चलती जाती है। इसके एक और इसके बारे में एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ये इन्फिनिट सीरीज़ चलती जा रही है। इसमें देखें दो किस्म की सीरीज़ आपके बनेंगी, एक बाउंस, एक आपका जो फॉलिंग है और एक बाउंस बैक है, एक फॉल हो रहा है और एक बाउंस बैक हो रहा है। फॉल जो है उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 27 है, 27 के बाद इसकी आएगी 18, उसके बाद इसकी आएगी 6 आई थिंक नहीं 12 आएगी और फिर उसके बाद 6 आएगी एंड सो ऑन। जब आप बाउंस बैक कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो सीरीज़ आ रही है वो आपकी आ रही है 18, उसके बाद 12, उसके बाद 6 एंड सो ऑन, ये आपकी सीरीज़ है। अब ये इन्फिनिट क्यों बनती है, इसकी एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। हमें टीचर्स ने बताया था जीनोज पैराडॉक्स, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मैथमेटिकली ये चीज़ आपकी कभी स्टॉप नहीं होगी, बॉल जो है प्रैक्टिकली तो आपकी स्टॉप हो जाती है लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो आपकी बॉल कभी भी ज़मीन के साथ नहीं लगेगी। जीनोज पैराडॉक्स क्या था, आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आप एक कप ऑफ चाय पी रहे हैं, कप ऑफ चाय आप पी रहे हैं और आप उसके ऊपर रूल ये लगा दिया कि जितनी चाय उसके अंदर है आपने उसकी फ़र्स्ट टाइम हाफ पीना है। जितनी चाय आपके पास, सपोज आपके पास इसके अंदर जो है 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है कप की, तो आप ये सपोज कर लें 5 सेंटीमीटर तक उसकी चाय पड़ी है उसके अंदर, आपने फ़र्स्ट टाइम जो है वो 2.5 सेंटीमीटर तक पी लिया की बार, फिर आपने उसकी हाफ़ पी ली, फिर आपने उसका और हाफ़ पी लिया, फिर आपने अगली बार उसका हाफ़ पीना है, अगली बार उसका हाफ़ पीना है। अब प्रैक्टिकली तो आप देखते हैं कि आपका जो चाय है वो ख़त्म हो गई, लेकिन मैथमेटिकली ख़त्म नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आता है, 2.5 को 2 से डिवाइड करें एक फाइनाइट नंबर आपके पास आ जाता है, उसको मज़ीद डिवाइड करें एक फाइनाइट नंबर आ जाता है। इसकी एक और एग्जांपल भी दी जाती है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाना चाहते हैं, आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, आप इस डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, आप इस तरह से कवर करते हैं कि सपोज़ आपके पास ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तो आप पहली दफ़ा 50 किलोमीटर कवर करते हैं, दूसरी दफ़ा जो बाकी बच गया उसका हाफ़ कवर करते हैं, मीन्स 25 किलोमीटर्स कवर करते हैं, फिर आपके पास जो बच गया उसका हाफ 12.5 कवर करते हैं, फिर जो आपके पास बच गया है उसका हाफ जो के बनेगा 6.25 ये कवर करते हैं, फिर जो जिस डिस्टेंस बच गया उसका आप हाफ कवर करते हैं। मैथमेटिक्स आपको ये बताती है कि आप कभी भी बी पॉइंट में नहीं पहुँचेंगे और ये इन्फिनिट सीरीज़ बनती जाएगी। यही बॉल के ऊपर भी यही रूल हम यूज़ कर रहे होते हैं कि इन्फिनिट सीरीज़ बनती है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है। उसके बाद डेसिमल्स को भी आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ की शक्ल में लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर से जो क्वेश्चन आने हैं वो इस टाइप के आ सकते हैं पेपर में कि आपके पास ये इन्फिनिट डेसिमल गिवन है और आपने इसको कन्वर्ट करना है एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। टेलीस्कोपिक सम बहुत इम्पोर्टेंट, ये इसमें देखें वन ओवर एन इंटू एन प्लस वन, सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, ए ओवर एन प्लस बी ओवर एन प्लस वन, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, पार्शियल फ्रैक्शन इसकी वन ओवर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, सॉरी इसमें माइनस आता है आई थिंक बीच में, माइनस वन ओवर एन प्लस वन, अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई की गई है। समेशन जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एन इज इक्वल टू सपोज हम 1 to k ले लेते हैं, इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to k तो
ये आपको पता है, अब जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, सपोज़ वन पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है वन माइनस वन बाई टू फर्स्ट, आपके पास ये दोनों की टर्म्स आ जाती हैं। दूसरी टर्म्स इनकी क्या आ जाती हैं, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री। प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस अप टू सो वन, आखिर पे क्या आता है, वन ओवर के माइनस वन माइनस वन ओवर के। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई थ्री आगे वन बाई थ्री के साथ कैंसिल होगा, वन बाई फोर भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली वन ओवर के माइनस वन भी इस पिछले के अंदर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, वन ओवर वन माइनस के। एक मिनट, आपने इसको अगली टर्म भी इसके आने वन ओवर के, और इसमें आगे आपके पास टर्म आएगी वन ओवर के प्लस वन, दूसरे वाले की वन ओवर के प्लस वन। तो आपके पास अल्टीमेटली वन ओवर के प्लस वन बच जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें अब आप देख सकते हैं, आप जब आप इसकी लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी करते हैं, मीन्स की अप्रोचेज इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट के अप्रोचेज इन्फिनिटी, क्योंकि आपने पहले फनाइट सम लिया, अब इसके ऊपर के इन्फिनिटी को अप्रोच करा रहे हैं, तो इसका सम आपके पास क्या आ जाता है, इसका सम आ जाता है वन के इक्वल। ये टेलीस्कोपिक सम इस यहाँ पर डिस्कस किया गया। इस टाइप की सीरीज़ ऑब्वियसली डाइवर्ज करती हैं, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच करते जाती हैं, कहीं पे जाके स्टॉप नहीं होती। ये देखें, कन्वर्ज करती है सीरीज़, अगर उसकी अगर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो देखें उसकी जो nth टर्म होगी कि nth टर्म जो होगी वो जीरो का अप्रोच करेगी का हमेशा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स इसका ट्रू इस सेंस में नहीं है कि देखें कि अगर आपके पास सीरीज है और आपको पता चल गया है कि वो कन्वर्स चल रही है, ये हमें बता रहा है कि उसकी nth जो टर्म होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी। बट अगर जीरो को अप्रोच कर रही है nth टर्म, तो डजंट इम्प्लाई कि वो जो सीरीज उसकी बनेगी वो कन्वर्ज करेगी। लेकिन इस रिजल्ट से हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि अगर nth टर्म जो है, अगर nth टर्म जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है या किसी भी नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो नंबर को अप्रोच कर रही है, एल एल फॉर नॉन जीरो, तो वो जो सीरीज है वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। ये जो हमें रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर एन जो है, एन एन टर्म जो है उसकी, अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है या वो किसी ऐसे नॉन जीरो नंबर को अप्रोच कर रही है, देन उसकी जो सीरीज होगी वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसका कन्वर्स इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं और इसी सेंस में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। यही आगे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। nth टर्म कैसे यूज़ करते हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट जो है कि ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करती है अगर लिमिट जो है एग्जिस्ट ना करे nth टर्म की, या डिफरेंट फ्राम ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कुछ और आ रही हो। ये आप इसके फोर पार्ट्स देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लें उसे। मंसूर, अक्सा, हमारा स्क्रीन शॉट करवा दें लास्ट पार्ट। डी पार्ट जी सर हो गया सब, मैं कहती लास्ट पार्ट पढ़ने वाला है। अच्छा ठीक, अगेन ऊपर जैसे कहा है कि एग्जांपल्स याद भी रखा करें कि इसके लिए क्या रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है, एज इट इज़ आ जाती हैं, एज इट इज़ आ जाती हैं, याद रखा करें, इन चीज़ों को नोट किया करें। एन स्क्वायर डाइवर्ज करता है क्योंकि एन स्क्वायर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, एन प्लस वन ओवर एन इस सीरीज़ डाइवर्ज करती है क्योंकि एन प्लस वन ओवर एन
जो है वन को अप्रोच करता है, माइनस वन पावर एन प्लस वन डाइवर्ज करता है क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, माइनस एन ओवर टू एन प्लस फाइव जेड डाइवर्ज करते हैं क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो माइनस वन बाई टू आती है, एन एस टर्म की जो लिमिट है वो माइनस वन बाई टू आती है। दो सीरीज़ को कंबाइन कर सकती हैं, ये ऊपर भी सीक्वेंस की शक्ल में हमने देखा था, सीरीज़ की शक्ल में भी ये हमने देख लिया कि दोनों मल्टीप्लाई भी प्लस में भी कॉन्स्टेंट नंबर से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये ज़रूर देख लें, ये दो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज डाइवर्जेंट, अगर आपके पास एक सीरीज डाइवर्ज कर रही है उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो फिर भी डाइवर्ज ही करेगी। सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ए सिग्मा एन एक एक सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है और एक डाइवर्ज कर रही है, उनको प्लस करेंगे तो वो डाइवर्ज ही करेंगी, अगर उनको माइनस करेंगे फिर भी वो डाइवर्ज ही करेंगी। अगर एक सीरीज़ कन्वर्ज और एक डाइवर्ज कर रही है, दोनों को ऐड करने से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से सीरीज़ जो मिलेगी वो भी डाइवर्ज करेगी। आगे क्या है कि अगर समटाइम ऐसे भी होता है कि दोनों सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है लेकिन उनका सम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डाइवर्ज कर रहा हूँ। एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ, आपको पता है कि एक सीरीज़ आपके पास है वन प्लस वन प्लस वन, सरा चलती जा रही है, दूसरी सीरीज आपके पास नेगेटिव है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये दोनों डाइवर्ज करती हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों का सम ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है और ये कन्वर्ज कर जाती है। यही एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई, फाइंड द सम्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज, सम आपने फाइंड करना, आप इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करना आपको भी बहुत ईजी है। अगेन बी पार्ट में भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, सम फाइंड करना बहुत ईजी है, एडिंग और डिलीटिंग टर्म्स को छोड़ दें बेशक। आगे चलते हैं, आगे रिजल्ट्स पे चलते हैं, जो रिजल्ट्स हैं क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, अगर कोई किसी में आपको पूछना हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। अगले इंटीग्रल टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छा ये चीज़ भी देख लें, अ सीरीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म, अगर सीरीज़ नॉन नेगेटिव टर्म्स की है और वो कन्वर्ज करती है एफ एन ओनली, उसके जो पार्शल सम्स हैं, पार्शल सम्स मतलब क्या होता है, दो टर्म्स का सम, तीन टर्म्स का सम, फोर टर्म्स का सम, वो एक अगेन सीक्वेंस बन जाता है, वो अगर बाउंडेड अबव हो तो हम उसको कहते हैं कि जी वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है दोनों का एफ एन ओनली के साथ रिजल्ट है। हारमोनिक सीरीज़ है वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन अप टू सो ऑन, ये डाइवर्ज करती है। अब यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट आ जाता है, एक एग्जांपल इसको बाद में देखते हैं, पहले आगे इंटीग्रल टेस्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर सीक्वेंस की nth टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक फंक्शन मिल जाए, सीक्वेंस की nth टर्म की कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन मिल जाए, तो वो जो फंक्शन है और जो सीरीज़ है दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा होगा। वो फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है, कन्वर्ज करता है, उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, अगर उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो उसकी सीरीज़ जो है वो भी डाइवर्ज ही करेगी। अब इंटीग्रल कैसे कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है ये हम कल डिस्कस करके आए हैं, अभी चलें ये ऊपर जो क्वेश्चन मैं आपको कहा कि इससे यूज़ होना है। अब ये देखें, वन ओवर एन स्क्वेयर सीरीज़ आपके पास है, समेशन वन ओवर एन स्क्वायर, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फंक्शन क्या कंसिडर कर सकते हैं, वन ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने इसमें वन टू इन्फिनिटी चेक करना है, तो अब इसको भी क्या कर लेंगे, इंटीग्रल इसका चेक कर लेंगे, वन ओवर एक्स स्क्वायर वन टू इन्फिनिटी। तो अब आप इसके बारे में मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, जी सर पी टेस्ट से कन्वर्ज करेगा, पी टेस्ट कब होल्ड करता है, बाकी लोग एक मिनट साहब, बाकी लोग बताएं पी क्या हो तो ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, जी ग्रेटर देन 1 हो, पी ग्रेटर देन 1 हो तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और अगर पी लेस देन 1 हो तो ये क्या करता है, पी लेस आर इक्वल टू 1 ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब ये देखें हमें जस्ट इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता चलती है, ये इसकी सीरीज़ का सम नहीं पता चलता, हमें जस्ट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता चलती है।
इसकी जो है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का हमें पता चलता है, हमें ये नहीं पता चलता कि सीरीज़ का सम क्या होगा, सीरीज़ की सर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चलता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखें इसमें। अब ये नहीं है कि इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो उसकी सीरीज़ का सम होगा, ये उसने आगे एक लाइन में एक्सप्लेन भी किया हुआ इस चीज़ को, कि आप इसको उसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना। जस्ट कन्वर्जेंस हमें पता चलती है, डाइवर्जेंस पता चलती है। पी सीरीज़ टेस्ट आप ये अभी मैं बता चुका हूँ, इंटीग्रल के थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि कैसे आता है, कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रल के अंदर। अब हार्मोनिक सीरीज़ जो आपके पास है, हार्मोनिक सीरीज़ में क्या होता है, वन ओवर एन आ रहा होता है, वन ओवर एन बेसिकली क्या है, वन ओवर एक्स है और उसकी पावर वन है, तो आप पी टेस्ट से भी इसको कह सकते हैं कि ये डाइवर्ज करती है। अब ये देखें वन जी जी सर, फिर इस सीरीज का क्या बिहेवियर होगा अगर हम कह रहे हैं कि जस्ट सम पे ये चीज़ अप्लाई करते हैं? क्या चीज़ जो इंटीग्रल हमने सॉल्व किया है कि ये कन्वर्ज करेगा, देन फिर हम इस सीरीज को क्या डील करेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में? n = 1 सीरीज कन्वर्जेस। तो सर अब आप कह नहीं रहे कि ये इस पे अप्लाई नहीं होती है इसकी, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर फर्ज करें कुछ आता रहता है, इसका आंसर फर्ज करें मैं कोई ए ले लेता हूँ, इसका आंसर ए आया, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका कुछ और होगा, ये कहने की बात कर रहा हूँ। बिहेवियर की बात, यहाँ पे हमें बिहेवियर का पता चलता है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चलता है, हमें उसके आंसर का एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट आंसर ए आएगा या कुछ और आएगा। ठीक है, हमें जस्ट उसके बिहेवियर का पता चलता है, इंटीग्रल टेस्ट के थ्रू हमें उसके बिहेवियर का पता चलता है कि बिहेवियर कैसा होगा, हमें ये नहीं पता चलता कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। बिहेवियर हम बता देते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी इसके अकॉर्डिंगली। अब ये एक और सीरीज़ आपके पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शन कौन सा है, वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स। बहुत ट्रिवियल सा क्वेश्चन है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रल क्या आता है, टेन इनवर्स, इसका इंटीग्रल आता है टेन इनवर्स एक्स। तो अब ये देखें टेन इनवर्स एक्स, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन। आपको पता है कि टेन इनवर्स टी मीन्स टी अप्रोचेस इन्फिनिटी है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा, तो फाइनाइट आंसर आ गया। फाइनाइट आंसर आने का मतलब क्या है, ये क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, कन्वर्ज कर गया, तो सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब अक्सर जो मैं आपको बात बता रहा था इसमें देखें टू पाई ओवर फोर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाता है, पाई बाई टू आता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका आंसर पाई बाई टू नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर पाई बाई टू होगा, बट ये होगा कि कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। बाकी इसके एग्जाम क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो करने मुश्किल हैं अभी, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कोई सिलेक्टिव से क्वेश्चन। कंपैरिजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कि अगर आपके पास सीरीज़ है और उसकी nth टर्म के उस बारे में आपको कोई और सीरीज़ मिल जाती है जिसके बारे में आपको श्योरिटी है, तो आप उसकी बता सकते हैं कैसे। इसमें कंपैरिजन टेस्ट में आप अगर एक सीरीज़ को चेक करना चाह रहे हैं, उसकी कन्वर्जेंस ए एन की कन्वर्जेंस आप चेक करना चाह रहे हैं, एक और सीरीज़ आपके पास है जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में आपको पता है, इसकी कन्वर्ज ये कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, फर्ज करें आपको पहले से पता है किसी भी चीज़ से, आपको किसी भी रिजल्ट से आपको पता है। अब अगर ए एन जो है वो लेस आर इक्वल टू सी एन हो, तो इसके कन्वर्ज करने से ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, अगर ए एन जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू सी एन हो, तो इसके कन्वर्ज करने से क्या करेगी, इसके सॉरी डाइवर्ज करने से ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी।
ये दो रिजल्ट्स हैं इस पार्ट के अंदर, इस थ्योरम के अंदर। अगर एक सीरीज आप जिसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं, एक और सीरीज है जिसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आपको पता है, ठीक है। कौन सी टाइप की सीरीज है जिनका आपको फौरन से पता चल जाता है? पी सीरीज वाली, जो पी पी टाइप जो सीरीज होती है। फर्स्ट करें आपके पास सीरीज एक गिवन है 1/(n^10/3), इसकी सीरीज का कन्वर्जेंस आपको पता है? इसकी कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है? कन्वर्ज। और अगर मैं ये पूछूं (n^2/3), तो ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है? डाइवर्ज करती है। अब जो जो एक ऐसी सीरीज आपको मिले जिसकी nth टर्म इससे बड़ी हो, एक ऐसी सीरीज जिसकी nth टर्म इससे बड़ी हो, तो वो सीरीज भी क्या करेगी? वो सीरीज भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। और एक ऐसी सीरीज जिसकी nth टर्म इससे छोटी हो, उस वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, ठीक है जी। लेकिन 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 छोटी सीरीज की डाइवर्ज करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। छोटी सीरीज के कन्वर्ज करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। इसको जहन में रखें। ये कंपैरिजन टेस्ट है आपको, ये जरा देखिए। इसने यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व की है, देख लें इसको। पढ़ लिए ये? जी सर। जी सर। आगे ये देखें 1/(n^n)। वन ओवर एन फैक्टोरियल को उसने कंपेयर किया 1/(2)n के साथ, क्योंकि ये देखें इसकी फर्स्ट टर्म 1, इसकी ये 1 को उसने सेपरेट कंसिडर किया, इसकी फर्स्ट टर्म 1, इसकी फर्स्ट टर्म 1, इसकी सेकंड टर्म 1/(1)। आगे 1/(2)/(1)/(2)/(1)/(3)/(1)/(2)2। तब 1/(3)/(1)/(4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 
हाँ जी, इसी तरह आगे भी इसकी टर्म्स इसी तरह से लेसर रहेंगी। तो आपको अगर इस सीरीज का पता चल जाए कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये भी कन्वर्ज करेगी या नहीं। तो अब ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है ना, वन 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 प्लस वन बाई टू प्लस टू वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू क्यूब अप टू सो वन। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है, वन एक सेपरेट है, इसका कोई रोल नहीं है। तो आपके पास आंसर इसका थ्री आ जाता है, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्ज कर गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। अब इसका आंसर थ्री आने का मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर भी थ्री आएगा, यहाँ पे इस लाइन में इसने एक्सप्लेन किया होगा। आगे इसको भी उसने इसी तरह से यूज़ किया हुआ, आप इस एग्जांपल को देख लें, पढ़ लें इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। वन ओवर टू पावर एन प्लस स्क्वायर रूट एन, इसको सॉल्व किया हुआ है, सीरीज के साथ कंपेयर किया, टू पावर एन वाली सीरीज। देखिए ना, जब भी डिनोमिनेटर से आप कुछ जो ऐड हो रहा है उसको ख़त्म करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर से कुछ कम किया जाए तो क्या आंसर हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
बड़ा हो जाए। हाँ जी, तो ये सीरीज बड़ी हो जाएगी ना, 1/2 n वाली सीरीज बड़ी हो जाएगी इससे, तो आप उसके यूज़ कर सकते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, आप दो जो सीक्वेंसेज हैं, एक सीक्वेंस का अगर आपको पता है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का, तो आप एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आपको पता है, तो आप उसको दूसरी के साथ जब डिवाइड करते हैं, अगर आंसर कांस्टेंट नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। आंसर अगर जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर कन्वर्ज करेगा तो नोमिनेटर भी कन्वर्ज करेगा। आंसर इन्फिनिटी आ जाए, डिनोमिनेटर डाइवर्ज करे तो नोमिनेटर भी डाइवर्ज करेगा। अब इसमें भी वही चीज़ है कि आप बार बार कौन सी सीरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, पी टेस्ट वाली सीरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि पी टेस्ट वाली सीरीज़ का आपको फ़ौरन से पता होता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, पहले तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनको माइंड में बिठा लें एक बार, कि अगर आपके पास एक सीरीज़ है जिसका आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और सीरीज़ कंसिडर करेंगे जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का आपको पता हो, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, ए एन ओवर बी एन करते हैं और लिमिट चेक करते हैं। अगर तो लिमिट आपके पास आ जाता है एक एल, कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है, तो आप दोनों जो हैं, दोनों का बिहेवियर सेम होगा, बोथ है सेम बिहेवियर। और अगर लिमिट जो है इनकी ज़ीरो आ जाती है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं। अगर बी एन कन्वर्ज करता है, अब ये आप जेन में अब सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पहले से होगा, तो आपने जब ये यूज़ करना है तो पहले से आपने बी एन लेना ही वही है जिसकी कन्वर्जेंस आपको पता हो। बी एन के कन्वर्ज करने से ए एन जो है वो कन्वर्ज करेगा। इसी तरह थर्ड क्या है, अगर ए एन ओवर बी एन जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बी एन जो है वो डाइवर्ज करेगा तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। डिनोमिनेटर के कन्वर्ज करने से न्यूमरेटर कन्वर्ज करेगा, न्यूमरेटर के डाइवर्ज करने से न्यूमरेटर जो है वो डाइवर्ज करेगा। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एग्जांपल्स आके देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ये डिस्कस की गई हैं, आप देख लें। ये आपके पास सीरीज़ गिवन है ना, 2n+1/n² + 2n+1। नॉर्मली वो क्या यूज़ कर रहा है, वो 1/n को यूज़ कर रहा है, क्योंकि 1/n की इन्फॉर्मेशन आपको फ़ौरन से है, तो उसी के साथ वो डिवाइड करके चेक कर रहा है कि आंसर क्या आता है। 1/n के साथ उसने डिवाइड किया है, आंसर चेक किया तो वो 2 आया है। अब कांस्टेंट आया ना, फाइनाइट नंबर आया है, जीरो के अलावा आया और इन्फिनिटी के अलावा आया, तो दोनों जो सीरीज़ हैं उनका बिहेवियर सेम होगा। अब इस सीरीज़ का बिहेवियर आपको पता है कि डाइवर्ज करती है, तो दूसरी का भी डाइवर्ज ही करेगी। आगे देखें, 1/2n-1 इसको कंपेयर कर रहे हैं 1/2n के साथ। अब 1/2n ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, कन्वर्ज करती है, तो आप इसके साथ आप इसको डिवाइड करें, इसके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आता है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप क्या कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो कन्वर्ज करेंगी। n नेचुरल लॉग ऑफ n, इसके साथ वो कंपेयर कर रहा है 1/n को, 1/n डाइवर्ज करता है, आप इसके साथ डिवाइड करते हैं, आंसर आपका इन्फिनिटी आता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक आप क्या कह सकते हैं कि ये डाइवर्ज कर रही है। अब इसमें देखें, अच्छा नॉर्मली ये देखें कि आप इसको कंपेयर जो उसके साथ डिवाइड कर रहे हो ना, आप उसकी कोई ना कोई उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी पावर लें कि आपकी वो पावर जो है वो किसी तरह से डिनोमिनेटर में ही रहे। सब्ट्रैक्ट करने से आपकी पावर जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहे, मतलब अब देखें ना, 5/4 आपने इसके साथ डिवाइड करना है, 5/4 आप इसके 3/2 इधर लिखा हुआ था, आप उससे थोड़ी सी बड़ी पावर उसके साथ जो है बी एन ले रहे हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी पावर ले रहे हैं। नॉर्मली इसी में कन्फ्यूजन होती है कि दूसरी बी एन क्या लेना है, बी एन अब इसी के साथ आप कंपेयर कर लें, एन की पावर 3/2 है तो आप बी एन क्या ले रहे हैं, एन की पावर 5/4 ले रहे हैं, ताकि वो डिनोमिनेटर में रहे और ओवरऑल आंसर आपका ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कर सके। क्योंकि अब आपने कन्वर्जेंस वाला क्राइटेरिया यूज़ करना है ना, तो आपको चाहिए या ज़ीरो हो या कोई फाइनाइट नंबर हो, तो कन्वर्जेंस बनाने के लिए आप उसकी बड़ी पावर साथ लेंगे। रेशो एंड रूट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप एक सीरीज़ है उसकी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें और लिमिट लें, तो
और लिमिट का आंसर जो है अगर वन से लेस आ जाए तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, वन से ग्रेटर आ जाए या इन्फिनिट आ जाए तो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है, टेस्ट फेल हो जाता है अगर लिमिट जो है वो वन आ जाए। अब ये इस टाइप के ये रेशो टेस्ट नॉर्मली कब हम यूज़ करते हैं? रेशो टेस्ट उस वक्त यूज़ करते हैं जब फैक्टोरियल आ रहा हो, जब पावर आ रही हो, फैक्टोरियल आ रहा हो या पावर आ रही हो, फैक्टोरियल या पावर, ये देख सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन पे रेशो टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये सीरीज़ जब आ रही हो, जब ज़्यादातर जब फैक्टोरियल्स आ रहे होते हैं तो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फैक्टोरियल्स की फॉर्म में जब आ रहे होते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, फैक्टोरियल की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में रेशो टेस्ट हम यूज़ करते हैं। मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ आप लोगों को। अगेन इसमें हमें सीरीज़ का सम नहीं पता चलता, हमें जस्ट उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता चलता है कि कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। टू पावर एन प्लस फाइव, थ्री पावर एन, इसमें आपने क्या करना है, ए एन प्लस वन ओवर ए एन करना है, तो आपके पास आ जाएगा टू एन प्लस वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री पावर एन डिवाइडेड, मैं इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, टू पावर एन प्लस फाइव। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी पावर इसके साथ कट जाएगी तो ये आपके पास आ जाएगा। इधर से आप टू पावर एन कॉमन ले लें, टू पावर एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टू प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू पावर एन, और इधर आपके पास आ जाएगा टू पावर एन साथ थ्री आ जाएगा इन टू वन प्लस फाइव बाई टू पावर एन, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब लिमिट लेंगे तो लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, ये ज़ीरो आ जाएगी, थ्री इंटू वन प्लस ज़ीरो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा टू बाई थ्री लेस देन वन है, तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली फैक्टोरियल वाला आप देख सकते हैं, फैक्टोरियल वाला आपको गिवन है 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसमें आप ए एन प्लस वन ओवर ए एन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, एक मिनट, ये 2n प्लस टू, ठीक है जी, ठीक कर रहा हूँ, 2n प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, एन फैक्टोरियल ओवर टू एन फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर सकते हैं इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन फैक्टोरियल, इसी तरह इन दोनों फैक्टोरियल्स को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, और ये एन फैक्टोरियल टू एन फैक्टोरियल कैंसिल, बाकियों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से भी एन कॉमन ले लें, नीचे से भी एन कॉमन ले लें, और आपके पास एक फाइनाइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर फोर आ जाता है, ग्रेटर देन वन है तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है। सी पार्ट का आप खुद पढ़ लें अभी। जी देख लिए जी, जी थक तो नहीं गए हैं, ब्रेक लेनी है, रोहिन अफसा अमारा सादिया मंसूर जी सर, रोहिन ब्रेक लेनी है,
मेरा दिल है 1 बजे तक ये क्लास लेनी है, मैं इस चीज़ को किसी तक वाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर ब्रेक लेनी है तो 5 से 10 मिनट की ब्रेक ले लें, लेकिन इसको आज वाइंड अप करना है। जी सर, कितने बजे तक क्लास लेनी है? कोशिश मेरी है 1 बजे तक। जी सर पढ़ लेते हैं अभी, बाद में देखेंगे। क्या चीज़? अभी पढ़ लेते हैं बाद में ब्रेक। बाकी लोग हैं सुमेरा, आप इधर ही मौजूद हैं? जी सर कंटिन्यूस चलते जाएं फिर। जी सर, सर 10 मिनट्स पढ़ा लें फिर ब्रेक दे दें। रोहिन कर लें कंटिन्यू, थोड़ी देर तक ब्रेक कर लेंगे। जी सर ठीक है, काल 12 बजे तक काल ब्रेक। रूट टेस्ट देखें, रूट टेस्ट जब कब आपने अप्लाई करना है, जब आपके पास उसकी पावर में एन आ रहा हो, रूट उसका लिया जा रहा हो, एनथ रूट लिया जा रहा हो, आपने उस वक्त अप्लाई करना है। और इसमें भी वही है कि अगर रूट स्क्वायर रूट उसका एनथ रूट ले लें, पावर 1/n ले लें, और लिमिट लेने के बाद आपका आंसर अगर लेस देन 1 आ रहा हो तो कन्वर्ट करती है, लेस ग्रेटर देन 1 आ रहा हो तो डाइवर्ज करती है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्पीड लगाने लगा हूँ, काफ़ी चीज़ें बीच में आ गई हैं। मैंने कहा है कि जब पावर में आ रहा हो एन, तो आपने एन थ्रू ये रूट टेस्ट लगा देना है। यहाँ पे ये देखिए 3 एग्जांपल्स यहाँ पे देख लें, आप पढ़ लें इसको, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लें। अब ये देखें ना, इसमें ये चीज़ वो है जो हम अभी स्टार्ट में बिल्कुल देख के आए हैं, ऊपर जो इसका न्यूमिरेटर बन रहा है स्क्वायर रूट एनथ रूट ऑफ एन होल स्क्वायर, इसका आंसर 1 आता है, ये हम स्टार्ट में देख के आए हैं। इसी तरह ये भी देख सकते हैं हम लोग, ये भी वही चीज़ आ रही है इसके न्यूमिरेटर में। यूज़ इट
एक्सेस जी सॉरी, पढ़ ली ये एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आगे इसको लेके जा रहा हूँ। जी सर पढ़ ली। ठीक है जी। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में आपकी सीरीज जब अल्टरनेट मीन्स उसकी नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स आ रही हों तो ये कब कन्वर्ज करती है, इसके तीन कंडीशंस देख लें। अगर तमाम जो उसकी टर्म्स हैं उसकी नेगेटिव के अलावा वो क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, और सीक्वेंस जो है वो क्या कर रहा हो, उसकी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज कर रही हों और जो है ना टर्म है वो ज़ीरो का अप्रोच कर रही हो, तो आप ये कहते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये आपके पास एग्जांपल है। माइनस वन पावर एन प्लस वन, सॉरी ये डिक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म से लेस ग्रेटर हो। अल्टरनेटिंग एस्टिमेशन थ्योरम से छोड़ दें। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस मीन्स आप अगर सीरीज आपके पास गिवन है और आप उसका मॉड लेते हैं, उसकी नेगेटिव टर्म को इग्नोर करते हैं, मॉड लेके आप उसकी सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करते हैं, अगर वो कन्वर्ज कर जाते हैं तो आप उसको कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। ये आपके पास सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 8, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है क्योंकि जब हम इसका मॉड लेते हैं मीन्स टर्म्स को पॉजिटिव करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती है, कन्वर्ज कर जाए, ज्योमेट्रिक सीरीज सिंपल आपके पास बन जाती है। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि अगर सीरीज कन्वर्ज करे लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्ज ना करे तो उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट, अगर मॉड लेने के बाद उसका कन्वर्ज कर जाए तो वो वैसे भी सीरीज कन्वर्ज करती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट, बट इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कन्वर्ज ट्रू कैसे नहीं है, इसकी काउंटर एग्जाम्पल एक गिवन होगी आगे। ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस, यहाँ पे सीरीज वो रिजल्ट यूज किया गया इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, आप इसको देख लें। अल्टरनेटिंग पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट कैसे, कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दोनों अप्लाई किए गए यहाँ पे। आपके पास सीरीज गिवन है और आपको पता है कि ये पी ग्रेटर देन वन जो है ये क्या करती है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कन्वर्ज करती है क्योंकि मॉड जब लेते हैं तो ये कन्वर्ज करती है। रीअरेंजिंग सीरीज को बेशक स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं इसमें खास बात, ये टेबल आप अगर आप पूरा चैप्टर के बजाय ये टेबल कर लेते हैं ना, अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट है रिवीजन में आप ये टेबल देख सकते हैं। देखें ज़रा पहला क्या है, एनएच टेस्ट, अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, अनलेस ज़ीरो का अप्रोच करें सीरीज डाइवर्ज करेगी। पहला रिजल्ट जो सीरीज़ के बारे में हमने किया था कि सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो उसकी कंफर्म है कि उसके एनएच टर्म ज़ीरो को, अगर ज़ीरो के अलावा अगर उसकी कर रही है तो सीरीज़ कन्फर्म्ड है कि वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बहुत ट्रिवियल सी चीज़ है, पी सीरीज़ टेस्ट आप देख चुके हैं, आप रिवाइज रिवीजन में भी ये अभी देख सकते हैं। सीरीज़ विद नॉन नेगेटिव टर्म, इंटीग्रल टेस्ट, अगर सीरीज़ की टर्म्स जो है वो नॉन नेगेटिव है तो इंटीग्रल टेस्ट आप लगा लें, रेशो टेस्ट लगा लें, रूट टेस्ट लगा लें, कंपैरिजन टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, कैसी सीरीज़ के साथ जिसको आपको नोन हो, आपको पता हो उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, तभी आप कंपैरिजन टेस्ट, उसके इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी आ जाता है। उसके बाद सीरीज़ विद सम नॉन नेगेटिव टर्म, आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की तरफ जा सकते हैं, अगर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस कन्वर्ज करती है सो डज ए एन, मतलब अगर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो उसकी वैसे भी कन्वर्जेंट होगी। उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, इसमें क्या आ जाता है, अगर कन्वर्ज करती है सीरीज, इफ़ द सीरीज सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, आपका अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का कंडीशंस क्या थी कि उसकी तमाम टर्म्स जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, उस सीरीज जो है उसकी टर्म्स डिक्रीज करनी चाहिए और उसकी एनएच टर्म का जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो का अप्रोच करनी चाहिए।
टेबल में अभी बल्कि इसको ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ ताकि सेव रहिए आपके पूरे चैप्टर का ये सम है, मेरे लिए भी सेव रहेगा बजाय इसके कि वापस हम इसमें आए तो ये आपके पास भी सेव रहे और मेरे पास भी सेव रहे। आगे चलते हैं, इसमें मैं बाल भी काट देता हूँ। पूरी एक्सरसाइज से आप देख सकते हैं पावर सीरीज। जी पावर सीरीज की वैसे तो आपको पता है एक्सपेंड करने वाला सीरीज जो है, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी होगी वो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और वो दो तीन चीज़ें देखनी होगी ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और एक मिनट जरा मैं कर लूँ तो मुझे भूल जाएगी ये इसका जो रिजल्ट है। इसमें मैं आगे आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताया गया। वैसे तो सीरीज तो एक्सपेंड करना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। ये इनकी फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स डू द पावर सीरीज कन्वर्ज, ये उस वक्त कन्वर्ज करती है। हम इसकी पहले तो चेक करते हैं एन एन रूट टेस्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, रेशो टेस्ट भी लगा सकते हैं, रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, कुछ भी। तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो इसकी एनएस टर्म है ये कब कन्वर्ज कर रही होती है। मैं इसकी चले चले फर्स्ट पार्ट में आपको करा देता हूँ माइनस वन पावर एन। अब इसमें भी हमने मॉड कंसिडर करना है, देखें मॉड ही कंसिडर करना है उसके अलावा नहीं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना, रेशियो टेस्ट करना, तो ये देखें ठीक है माइनस वन पावर एन माइनस वन एक्स पावर एन ओवर एन। तो हमने इसकी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन कंसिडर करना है और मॉड लेना है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एन ओवर एक्स पावर एन। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, डिनोमिनेटर नोमिनेटर से एन कॉमन ले लें तो यह आपके पास आ जाएगा एन एक्स डिवाइडेड बाई एन वन प्लस वन ओवर एन। तो यह आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर वन प्लस वन ओवर एन। अब ये इसका आंसर जब हम लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, बेसिकली तो मॉड ऑफ एक्स चलता रहेगा जो हमने स्टार्ट में मॉड इसका लिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स तो चलता रहेगा इसका। तो अब इसका आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स। अब ये अल्टरनेटिव आपको रेशियो टेस्ट अगर आपको याद हो ये कब कन्वर्ज करता है, जी मॉड ऑफ एक्स क्या ले तो हम ये जो है कन्वर्ज करेंगे, रेशियो टेस्ट अगर आपको याद हो लेस देन वन, अगर मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन वन हो तो ये कन्वर्ज करेगी, अगर मॉड ऑफ एक्स जो है वो क्या हो ग्रेटर देन वन हो तो ये क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स के ऊपर हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया है, इसी को आगे जाकर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का नाम भी ले रहे होंगे। इसी तरह आप बी पार्ट और सी पार्ट डी पार्ट में आगे एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप खुद इसको रीड कर लें, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बता दिए। अभी देखें एक्स स्क्वायर इसके साथ आ रहा है, अप्रोच किसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है। अब एक्स स्क्वायर ये कन्वर्ज जब करेगी जब एक्स स्क्वायर क्या हो लेस देन मानो इट डाइवर्जेस व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन मानो बिकॉज़ देन टर्म। अच्छा एट एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 1 इसका बिहेवियर कैसा होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7 अप टू 1 अल्टरनेटिंग सीरीज थ्योरम से बन जाता है कन्वर्जेस एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 रिगार्डिंग इट अगेंस्ट इज अल्टरनेटिंग सीरीज।
अच्छा जी, तो अब बेसिकली इसका आप ये समझेंगे कि लोबे लुबाव जिसको आप कह सकते हैं वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू वन। ये आखिर में जाकर उसने कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बता दिए, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता दिए, ये कब कन्वर्ज करती है माइनस वन लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू वन, यहाँ पर कन्वर्ज करती है बाकी तमाम के लिए डाइवर्ज करती है। अगली एग्जाम्पल क्या थी आपके पास थी सी पार्ट एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल, एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल ये एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब ये देखें आपने रेशो टेस्ट लगाया, रेशो टेस्ट के मुताबिक आपके पास एक्स मॉड ओवर एन प्लस वन। अब ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, एक्स की कोई वैल्यू ले लें तो ये जीरो को ही अप्रोच करेगा, तो ये आपके पास क्या आ गई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आ गई इस केस में। एक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं, एक्स कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या आ रहा है ये जो है एन प्लस वन इंटू एक्स मॉड फैक्टोरियल एक्स मॉड सॉरी ये अप्रोच आ रहा है इन्फिनिटी को, हम एक्स कुछ एक्स जीरो के अलावा कुछ भी ले रहे हैं तो इन्फिनिटी को ही अप्रोच रहेगा, क्योंकि एन को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इन्फिनिटी को अप्रोच रहेगा। अगर एक्स जीरो लेंगे तो उस पर कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा डाइवर्ज ही करेगा। ये उसने पावर सीरीज की कन्वर्जेंस थ्योरम बता दी है, वही कैसे आपने कन्वर्जेंस उसकी वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे चेक करना है वही उसने यहाँ पे बताया हुआ है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये इसकी तीन पॉइंट्स जरूर रीड कर लें, नहीं समझ आती तो उससे पूछें। बल्कि मैं इसका भी जो है ना स्क्रीन शॉट भी शेयर करा साढ़े छः इसका भी मैं स्क्रीन शॉट भी शेयर कर देता हूँ ताकि सेव रहे। हाँ जी रीड कर लें इसको, रीड कर लिया जी। हेलो जी सर। जी सर बहुत डिले हो गए, मंसूर बहुत डिले हो गए बोले। नहीं सर ब्रेक ले लेते हैं, डिले हो गए सर। सादिया सादिया जी सर एक्चुअली नहीं आती आती है सर। ठीक है हाँ ना तो बोले रोहिन। जी सर क्लियर हो रही है सर चीज़ जी हो रही है। चलें एमसीक्यूज में जाके देखेंगे। साजिदा हमारा जी सर हो रही है। सुमेरा सुमेरा जो है रिकॉर्डिंग पे चला के चली गई। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने कहा था कि कल मुझे याद करवाना कि कस और सिंगुलर पॉइंट का भी कांसेप्ट है। अभी हाँ बल्कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना दोनों बुक्स फिर उस पे जाते हैं। ओके हाउ टू टेस्ट फॉर पावर सीरीज चलें इसका भी मैं अब मैं इसको रीड नहीं करा रहा, मैं इसका जस्ट स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ आप लोग इसको ताकि खुद देख सकें। अच्छा जी
टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन, टर्म इंटीग्रेशन बहुत ईजी सी चीज़ है. आप कोई भी सीरीज़ है उसकी, अगर जो लेफ़्ट साइड पे उसका अप्रोक्सीमेटेड सम फंक्शन है उसको लें, और जो राइट साइड पे उसकी सीरीज़ है उसका डेरिवेटिव लेते जाएं. दोनों साइड्स पे एक ही चीज़ चलती जाएगी, डेरिवेटिव लेते जा ले सकते हैं. डेरिवेटिव लेने के बाद लेफ़्ट साइड पे जो फंक्शन आएगा राइट साइड पे भी उसी की सीरीज़ ही होगी. यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में ये चीज़ नहीं होल्ड करती. आपको पता है कि साइन है एक्स का जो सीरीज़ है, साइन एक्स की सीरीज़ अगर उसको एन स्क्वायर से डिवाइड करें, साइन एक्स की सीरीज़ वैसे तो आती है एक्स से स्टार्ट होती है, ऑड पावर्स उसकी आती जाती हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस आ जाता है. लेकिन इस टाइप की सीरीज़ में वो होल्ड नहीं करता. टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स आप लोग खुद इसकी देख लेना, काफ़ी लेंथी काम हो गया इसलिए मैं इसको आप लोगों के छोड़ रहा हूँ. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है. अब ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ पावर सीरीज इसको छोड़े हैं. अब इस चैप्टर को मैं यहीं पर, आगे फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ. आगे इस चैप्टर पे आ जाते हैं. अब इस चैप्टर के कोरस्पॉन्डिंग आपका उधर से भी दूसरा चैप्टर साथ चल रहा है. एक मिनट, एस एम यूसुफ की जो आया ना, इसका चैप्टर नंबर क्या है, एक्सा जो सीक्वेंस, अच्छा मेथड का है वो? जी सर, मेथड का ही. एक मिनट मैं मेथड की बुक ओपन कर लेता हूँ. अच्छा, मैं समझा था कि वो कैलकुलस का कोई चैप्टर है. अच्छा, ये आप लोग क्या कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपको फिर मेथड का जो सीक्वेंस वाला चैप्टर है वो आप लोगों का असाइनमेंट हो जाए, क्योंकि सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, बजाय इसके कि मैं अब आपको ये इधर से कवर कराऊँ. हाँ जी, ऐसे ठीक है? ठीक है. जो सीक्वेंस वाला चैप्टर है वो आप लोग खुद करेंगे, कैलकुलस थॉमस वाली बुक में जो है वो मैंने करा दिया आपको. ठीक है जी सर. ठीक है, थॉमस वाली बुक पे वापस आते हैं. वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री स्पेस, ज्योमेट्री स्पेस आप इसमें वेक्टर्स की बात की गई, बेसिक डेफिनेशंस हैं स्टार्ट से. डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये आप लोगों के पास बुक है थॉमस की अभी? थॉमस की बुक है आप लोगों के पास मोबाइल में? यस सर. यस सर. है आप लोगों के पास? एक मिनट जरा मैं आपसे बात करता हूँ. क्या की कोई शब्द आ गया, मैं सारी चीज़ खा लेता हूँ, गोभी में खा लेता हूँ, चावल ही खा लेता हूँ. नहीं यार, ये मैं नहीं समझ आती ना. एक बंदा अगर घर वेला बैठा बजाय वो नहीं कुछ चार पैसे कमा लग रहे थे वेली तो बाद वजन का फायदा को नहीं है. मैं हूँ उसको हॉस्टल ही नहीं रख सकता, साढ़े हॉस्टल होने इजाजत नहीं है. सिर्फ जोड़े जिन्हें अलाटमेंट है उस अलावा कोई बंदा अंदर जा ही नहीं सकता. कल खुल उत्थे मैं कमा रहा भी कमा सकता, वो नाल नाल उत्थे काम अपना भी शुरू कर सकता जरा पढ़ाई का. इतने हूँ बैठा मैं तेरे सामने पूछा सरगोध यूनिवर्सिटी से किन्ने दिन हो के आया, अप्लाई किया उस? बिलाल नाम जन गल करे वो तो तोड़ो हो के आया हूँ मोबाइल हथी नपी उन्हें अप्लाई किया इस. अच्छा, आप लोग इस तरह करें, इसका जो 11 चैप्टर है ना, आप लोग 20 मिनट की ब्रेक भी ले लें, 12:15 पर वापस आएंगे. इसका 11 चैप्टर आप लोग स्टार्ट करें. ठीक है जी, आप सबके पास शॉर्ट फॉर्म में बुक ही होगी, अगर नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ. और 12:15 पे आप लोग वापस आएंगे. ठीक है जी. ठीक है सर. 12:15 पे. हाँ.
ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨੇ
बहर दिया मैं
Thank you.
जी सब लोग वापस आ गए हैं। जी सर। जी वो चैप्टर मैंने आपको कहा है उसको कुछ देखा है? जी सर। स्टार्ट में तो डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला वही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आगे वेक्टर की डेफिनेशन है, वेक्टर वेक्टर्स आप कैसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, आगे उसका मॉड कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से टू डायमेंशनल वेक्टर होता है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर होता है, यूनिट कैसे बनाते हैं, यही चीज़ें यहाँ पर तो डिस्कस की गई हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसका स्टार्टिंग जो है वो आप लोग खुद देख लें ताकि आगे मैं जा सकूँ। एडिशन ऑफ वैक्टर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है, सेकेंड ईयर का तकरीबन ये सारा चैप्टर बन जाता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर ये आप कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यही चीज़ें स्टार्ट से तो हैं। और किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने उसके एक पैरेलल वेक्टर आपने फाइंड करना है तो आप P1 P2 कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। सेकेंड ईयर का जो 7 चैप्टर वो भी आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर हो जाता है। इसमें आगे जो चीज़ें आनी हैं वेक्टर की वो ये तो डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, मैं असल में उधर लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे चीज़ें आनी हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन जो आती है आपके पास, ए इज इक्वल टू TB टाइप, A प्लस TB इस टाइप की इक्वेशन आती है। अगर आपको पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो उसको आप कैसे फाइंड करते हैं, वर्क डन ठीक है जी। और क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लिया गेन वेक्टर आता है, चीज़ें आप वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में भी देख चुके हैं, सेकंड ईयर का भी चैप्टर है ये। मैं इसलिए स्किप करता जा रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं, इसलिए मैं आगे लेके जा रहा हूँ। इसमें स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपको बीच में कोई चीज़ लगती है कि ये आपको सही क्लियर नहीं है तो फौरन से वहीं मुझे बता दें। ये चीज़ मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था, लाइन इन स्पेस, स्पेस के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आप फाइंड करेंगे, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर आपके पास एक पॉइंट पी है जो कि लाइन के ऊपर लाइक कर रहा है और उसके पैरेलल वेक्टर आपको वी मिल जाता है तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करनी है, आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी। आर नॉट क्या होगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा और वी जो है वो उसके पैरेलल वेक्टर कोई एक होगा। अब देखें ये आप इसकी जो है ना आगे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे इससे जाके। देखिए अगर आपके पास स्पेस के अंदर एक लाइन लाइक कर रही है, स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशन में एक लाइन है, उसकी इक्वेशन आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर चेक करते हैं। ये पॉइंट आपके पास है, इसके एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट चेक करते हैं और इसके पैरेलल एक वेक्टर अगर आपको गिवन है वी, उसने अगर वेक्टर का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी वेक्टर का नाम दियो, एक वेक्टर अगर आपको उसके पैरेलल वी मिल जाता है तो आप इस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी, और इसको अगर आप एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो ये आपके पास आता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इज इक्वल टू आ जाता है एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जी नॉट के, और इसी तरह से प्लस
ये वी आपके पास फर्ज करें वी वन प्लस वी टू वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के, तो यहाँ से आपके पास एक वो एक और फॉर्म बनती है जिसकी तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास बन जाता है x माइनस एक्स नॉट इंटू आई, ये जो r नॉट वेक्टर अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर लें, और ये आगे इसी तरह y माइनस y नॉट प्लस z माइनस z नॉट इंटू के ये इंटू जे इज इक्वल टू t इंटू v1 i v2 j v3 k। फर्दर अगर आप इसको लेके जाएं तो ये आपके पास आ जाता है x माइनस x नॉट, इक्वेट कर लेना इनको आप इक्वेट कर लें तो ये आ जाता है x नॉट माइनस x माइनस x नॉट इज इक्वल टू t v1, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू t v2, और z माइनस z नॉट इज इक्वल टू t v3। और यहाँ से आपके पास वो एक आप कभी कहीं पे देखते होंगे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की ये वाली फॉर्म गिवन होती है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू y माइनस y नॉट ओवर v2 इज इक्वल टू z माइनस z नॉट ओवर ओवर v3 इज इक्वल टू t कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको सम टाइम गिवन होता है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जी कंपोनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं। सम टाइम इस फॉर्म में भी इक्वेशन ये इसी की इक्विवेलेंट है, इस इक्वेशन की इक्विवेलेंट है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म गिवन है इसकी इक्विवेलेंट है। अब इसमें रिकॉग्नाइज कैसे करना होता है, एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट जो है ये क्या है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन जो इक्वेशन है जो लाइन है इस पर लाइक आर एक पॉइंट, और जो डिवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप फर्स्ट करें एक आपको कहा जाता है कि एक लाइन है जिसके ऊपर ये पी नॉट एक पॉइंट है और उसके ऊपर पी वन एक पॉइंट लाइक आ रहा है, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको पॉइंट चाहिए उसके ऊपर और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए उसके उस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो इस लाइन जो जिस लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट्स लाइक आ रहे हैं इसके पैरेलल वेक्टर आपको कैसे मिल सकता है, इसके पैरेलल वेक्टर आपको ये वाला मिल सकता है पी वन पी टू जो वेक्टर होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। ये जो लाइन इन्फिनिटली चलती जा रही है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक पी नॉट आपके पास है एक पी वन आपके पास पॉइंट है, अगर आपको पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन तो आप फाइंड कर सकते हैं दो पॉइंट से। दो पॉइंट से कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप उन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बना लें, वो वेक्टर क्या होगा उसी लाइन के पैरेलल होगा। मैं सारी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट ये देखें, उसने आगे स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में इसने लिखा हुआ है, वही ऊपर वाली चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। एग्जांपल वन देख लें, एग्जांपल वन में आपको लाइन थ्रू दिस पैरेलल टू दिस वेक्टर आपने ये फाइंड कर लिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू टी, वाई इज इक्वल टू फोर टी एंड जी इज इक्वल टू फोर माइनस टी। आगे जो मैं अभी कह रहा था कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, उस एग्जांपल नंबर टू आप देख लें, एग्जाम्पल नंबर टू में आप पहले वेक्टर पैरेलल फाइंड किया पी क्यू और आगे आप इसको लेके चले आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड कर ली पैरामेट्रिक फॉर्म में, देख ले इस चीज़ को। अब इसी के पैरेलल एस एम यूसुफ का भी हम चैप्टर ये कर रहे हैं, जो कल चैप्टर नंबर क्या था मुझे याद नहीं है, वो जो हमने स्टार्ट करना था वो यही चैप्टर है उधर भी। लाइन सेगमेंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में वही चीज़ फिर से आ गई है। अब इसमें एक और आगे क्वेश्चन जो आ जाता है कि दो लाइंस की इक्वेशन गिवन होती हैं और पूछा जाता है, अच्छा जी ये एक चीज़ है कि अगर आपने किसी एक पॉइंट का इस इक्वेशन ऑफ लाइन जो लाइन है इसे डिस्टेंस फाइंड करना, तो आप क्या करते हैं पी एस आपके पास एक वेक्टर होता है उस डायरेक्शन में, उसका पैरेलल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और डिवाइड करते हैं वी के मैग्नीट्यूड से। अब इस फॉर्म में अगर आपको गिवन हो आपने पैरेलल वेक्टर वो वाला फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन गिवन है जी, इसमें पैरेलल वेक्टर क्या होगा वन माइनस वन और टू, जो पैरेलल वेक्टर आपके पास आना है वो क्या आना है i माइनस j प्लस टू के, जो v वेक्टर आपके पास आना है। और पी एस आप कैसे बनाएंगे, पी एस आप इस मेथड से बनाएंगे डिस्टेंस जिस पॉइंट से आपने फाइंड करना है, और ये पी पॉइंट कौन सा होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा जो इसमें वन थ्री और इसमें ज़ीरो आ रहा है,
और इन दोनों का आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट की फार्मूला आपके पास क्या आना है, क्रॉस प्रोडक्ट और वी के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर देना तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर टू डायमेंशन में जाते हैं तो टू डायमेंशन में आप लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। याद है सेकेंड ईयर का फोर्थ चैप्टर है ये। ये किस में है, ये थ्री डायमेंशन में अगर आपने फाइंड करना हो डिस्टेंस लाइन का पॉइंट से, ये उसके लिए फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल का आप क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं पी नॉट पी वन से, पी पी नॉट पी से आप डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाती है। वेक्टर इक्वेशन उसने बता दिए, ये है आपके पास कंपोनेंट की फॉर्म में इक्वेशन, ये गिवन है, ये बेस्ट रहती है, ये जो पॉइंट कंपोनेंट की फॉर्म में इक्वेशन है ये बेस्ट रहती है। एन क्या होता है, एन आपके पास नॉर्मल वेक्टर है उसके जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और उसके कंपोनेंट्स को यहाँ पे और जिस पॉइंट के प्लेन जो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाइक आ रहा हो उसकी इक्वेशन एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट जी माइनस जी नॉट। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप उसे पूछ सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने फाइंड करनी है। देखिए कोई भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, जैसे आप प्लेन का मतलब क्या होता है आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई जी में जाते हैं तो इसमें एक्स वाई जी में एक जो आपका आ जाता है इसमें ये पोर्शन एक प्लेन है, ये पोर्शन एक प्लेन है, ये पोर्शन एक प्लेन है। आपने प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, आपको उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है। फर्स्ट मैं अगर प्लेन को ये कंसीडर करता हूँ, ये आपके पास एक प्लेन है तो इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है और इसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है जिसको हम नॉर्मल वेक्टर नॉर्मली कंसीडर कर रहे हैं। नॉर्मल वेक्टर इसका एक होना चाहिए और इसके ऊपर एक पॉइंट लाई करना चाहिए। ये दो अगर हमें मालूम हो तो फिर हम उसकी इक्वेशन, तो उसकी इक्वेशन क्या है, आप n अगर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कहते हैं और p पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x नॉट y नॉट z नॉट कहते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो क्या होगी, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड नॉट। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, इस इक्वल टू जीरो। अब इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ये जो एग्जांपल यहाँ पे है पी नॉट आपके पास माइनस थ्री जीरो सेवन और नॉर्मल वेक्टर पी नॉट जो है माइनस थ्री जीरो सेवन और नॉर्मल वेक्टर जो हमें गिवन है दैट इज़ फाइव वाई प्लस टू जे माइनस फाइव के। अच्छा जी, अब इसमें देखें ये आपके पास x नॉट y नॉट z नॉट और ये a b c। स्टार्ट से मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आगे आस्कुलेटिंग प्लेन नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन की जब इक्वेशंस आती हैं तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जनरल प्लेन की इक्वेशन आपको बता रहा हूँ, आगे मैं जस्ट ये आपको एक आइडिया देता जाऊँगा कि इसके लिए परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा लेंगे और इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस टू इंटू वाई माइनस ज़ीरो प्लस माइनस माइनस फाइव इंटू जी माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस टू वाई माइनस फाइव जी और प्लस थर्टी फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो प्लेन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी और आपको पता है प्लेन की इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स में आनी चाहिए, थ्री वेरिएबल्स में ही आएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, ये तीन पॉइंट्स अब आपको क्या मिले, तीन पॉइंट्स अब देखें अगर ये आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होना ना, यहाँ पे वेक्टर आपके पास ये एक प्लेन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक प्लेन, मैं नॉर्मली इसको प्लेट ही कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे तीन पॉइंट्स पड़े हैं ए बी सी, तीन रैंडमली पॉइंट्स पड़े हैं।
आप इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना चाहें। प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए और एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट्स तो तीन के मैंने, नॉर्मल वेक्टर कोई नहीं है। तो आप फिर क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि ए से बी एक वेक्टर बनाते हैं और ए से सी एक वेक्टर बनाते हैं। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी क्रॉस ए सी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये वेक्टर कहाँ पे आएगा? ए बी क्रॉस ए सी कहाँ चला जाएगा? हमारा मंसूर साहब की आवाज नहीं आ रही है, सुमैरा रवीन क्या है? तो उसमें एन निकल आएगा सर। हम जी, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप सेकंड ईयर के पास जो डिस्कस कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट, आप ये कहते हैं ए बी क्रॉस ए सी कौन सा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ए क्रॉस बी वहां पे जब आप देखते होते हैं ए क्रॉस बी, ये वेक्टर कौन सा होता है, ये परपेंडिकुलर किस किस पे होता है, ए पे भी होता है और बी पे भी होता है। तो हमें वही वेक्टर चाहिए जो इस ए बी पे वेक्टर परपेंडिकुलर हो और ए सी भी परपेंडिकुलर हो, तो वो कौन सा होगा, इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और यही हमारा क्या होगा, एन वेक्टर होगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है जी सर। तो वो आप फाइंड कर लेंगे, पॉइंट आप इन तीनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये चीज ये बहुत जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। दो प्लेन्स आपको गिवन है, आपने उनकी पॉइंट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं आप लोग, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दो प्लेन्स आपने कट करने हैं। इसकी एग्जांपल मैं नॉर्मली ऐसे देता हूँ कि दो पेज आप कट करते हैं, ये देखें यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है, दो पेज जब आप कट करते हैं, दो पेज के कट करने से आपको क्या मिलता है, एक पूरी लाइन मिलती है। देखें ये लाइन बनी हुई है, दो पेजेस जब आप कट करते हैं पूरी लाइन मिलती है ना, पूरी लाइन आपको मिलती है। उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करना है, तो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इन दोनों प्लेन्स का जो नॉर्मल वेक्टर है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होगा, वो इन दोनों प्लेन्स की जो इंटरसेक्शन लाइन है उसके पैरेलल होगा। दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर है उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, दोनों का नॉर्मल वेक्टर, दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स कौन से हैं, एक का n1 है दूसरे का n2 है, उनका हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। वो क्या होगा, उस जो हमारे पास लाइन है उसके पैरेलल होगा। ये चीज क्लियर है? चीज क्लियर है जी सर। तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, उससे पैरेलल कैसे, मुझे इसकी समझ नहीं आई। इन दोनों प्लेन देखे ना, प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी तो इंटरसेक्ट करेंगे। जी सर ऐसे ही है ना। हाँ जी। तो प्लेन्स के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो किधर जाएगा, जो सॉरी नॉर्मल का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके पैरेलल हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे कन्वर्ट करनी, वैसे मुझे नहीं लगता इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन सकता है, फिर भी आपको जरूर जेहन में होना चाहिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं। इंटरसेक्शन में असल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हाँ ये चीज़ ये आपको एक लाइन गिवन है और ये प्लेन गिवन है, आपने बताना है कि ये लाइन इस प्लेन को कब इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन इस प्लेन को कब इंटरसेक्ट करेगी। आप मुझे वर्बली बता सकते हैं कि कैसे करेंगे, अगर नहीं होता तो मैं आपको समझा देता हूँ। फिर आपने बताना है कि ये लाइन जो है, ये लाइन की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में और ये प्लेन की इक्वेशन है, आपने बताना है कि ये कब इसको इंटरसेक्ट करेगी, लाइन और प्लेन कब इंटरसेक्ट करेंगे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे वो हम फाइंड करना है ना, हम कैसे करेंगे, हम ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
ये वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ये जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये जब हमने यहाँ पे पुट कर ली तो अब देखें आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टी की वैल्यू आप वापस जाके इसमें पुट करेंगे, एक्स वाई जी जो ये वाले गिवन है इनमें पुट करेंगे, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई है? यस सर। बाकी लोग? जी सर। आपने क्या करना है, ये एक्स वाई जी इस प्लेन के अंदर पुट करने हैं। वैसे आप देखें ना टू डायमेंशन में भी लाइन और पॉइंट को इंटरसेक्ट कैसे कर रहे थे आप, वो पॉइंट उसके अंदर जाके पुट कर देते थे। अब ये पॉइंट आपने इंटरसेक्ट चेक करना है इसके साथ, तो आप क्या करते हैं एक्स वाई जी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, टी की वैल्यू आपके पास आ जाती है, वो टी की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं तो आपको वो पॉइंट मिल जाता है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्लेन का इससे डिस्टेंस का फार्मूला है, ये भी आप लोग देख लेना, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, फिर भी आप लोग ज़रूर देख लेना इसको खुद से। मैं इसको नहीं, अब मैं असल में एक क्वेश्चन जो इसमें बार बार आता है, अच्छा अब प्लेन्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ अगर दो प्लेन्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, हम उनके नॉर्मल्स का एंगल फाइंड कर लेते हैं, वही प्लेन का एंगल होगा। पॉइंट समझ आया? प्लेन्स का एंगल फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स, प्लेन्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो दोनों के नॉर्मल्स चेक कर रहे हैं एन वन एन टू और उनका कॉस थीटा फाइंड कर रहा है और कहता है ये प्लेन का एंगल होगा। पॉइंट क्लियर हुए? सही है सर। जो नॉर्मल के दरमियान एंगल होगा वही क्या होगा, प्लेन्स के दरमियान एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल आगे जाके जो एंगल बनाएंगे वही प्लेन्स का आपस में एंगल होगा, और वो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट यूज करते हो, कॉस यूज किया उसने और एंगल फाइंड कर लिया। क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत से क्वेश्चन घुमाए भी जा सकते हैं। अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स में देख रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये बन सकता है एमसीक्यू। आप यहाँ पे तो उसने कहा है कि इंटरसेक्ट, अब आपको अगर पूछा जाए कि 29 में दो लाइंस गिवन है, 29 नज़र आ रहा है? जी सर आ रहा है सर। दो लाइंस गिवन है, आपने अगर कहा जाए, क्वेश्चन आ जाए फर्ज करें कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, कैसे चेक करेंगे? दो लाइंस अगर आपने चेक करना हो थ्री डायमेंशन में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो कैसे चेक करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है ये कैसे पता चलेगा? वही ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ जाता है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो कैसे चेक करते होते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही? तो इक्वेट कर लेंगे ना, x को x से इक्वल रखेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, t और s का आंसर आ जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट करें t और s का आंसर आ गया, अब वो कैसे पता चलेगा कि वाकई ही एक वो जो है इंटरसेक्ट कर रही है? t और s का आंसर आ गया, दो से आपका t और s का आंसर आ गया, यही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। 29 नंबर कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इसका वाइट बोर्ड जो है वो यूज़ कर लूँ ना, मुझे इसमें वाइट बोर्ड में जो है ना मज़ा नहीं आ रहा। आप लोगों को जूम नज़र आ रहा है ना? जी सर। मैं इसका वाइट बोर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, उस पर असल में पता नहीं माउस सही अच्छी तरह से चल नहीं रहा, मैं इसका वाइट बोर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ। This meeting is being recorded. नजर आ रहा है ये व्हाइट बोर्ड आप सबको? यस जी सर। फ्लुएंटली मैं लिख लेता हूं, मैंने पहले एक बार ट्राई किया, yes. वो माइक्रोसॉफ्ट का काफी स्लो है। x = -1 + t इस पे भी स्लो होगा। x = -1 + t दूसरा आपको गिवन है, y इज इक्वल टू 2 प्लस टी और z इज इक्वल टू 1 माइनस टी।
दूसरा आपको क्या मैंने x इक्वल टू 1 माइनस 4x, y गिवन है 1 प्लस 2s और 2 माइनस 2s. अब आपने इनको चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही. कैसे चेक करेंगे? आपने इन दोनों की इक्वेट कर लिया, माइनस वन प्लस टी इज इक्वल टू. मैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन चेक करना चाह रहा था, वो क्वेश्चन मैंने एक दो जगह देखा है कि वो कहता है जी चेक करें कि ये इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही. तो इंटरसेक्ट न करने का क्या रीज़न हो सकती है वो अभी बता रहा हूँ आपको. ये आपके पास आ जाएगा 4s प्लस टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 2s माइनस टी इज इक्वल टू 1. अब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास s की वैल्यू आ जाती है. अभी तक मैंने आप ये z कंपोनेंट को यूज़ नहीं किया. दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 6s इज इक्वल टू 3, और s की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2. आप s की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास t की वैल्यू आ जाती है. कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे ज़रूर बता देना अगर कोई मैं कर लूँ. टी की वैल्यू क्या आ जाती है 1-1, 0. अब ये टी की वैल्यू आ जाएगी और ये एस की वैल्यू. अब ये कैसे कंफर्म होगा कि ये इंटरसेक्ट करें या नहीं करें? टी की वैल्यू और एस की वैल्यू तो आ गई है. अब ये हम दोनों जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ के एस की वैल्यू पुट करेंगे. जी इज़ इक्वल टू 1-0, ये क्या आ जाता है 1 आ जाता है. और एस की वैल्यू जी इज इक्वल टू 2-2 × 1/2, जी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. इधर से भी z की वैल्यू 1 आई, इधर से भी z की वैल्यू 1 आई. अगर ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट आ जाती तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही. अगर t और s फाइंड कर लिया, इसको इसमें जाके पुट किया, यहाँ से जो z की वैल्यू आई है अगर ये डिफरेंट हो जाती तो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती. दोनों की पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. क्वेश्चन यही आता है कि चेक करें कि ये दो लाइंस, एक ये लाइन है L1 और ये L2, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, यही क्वेश्चन आता है. तो आपने अगर चेक करना है कि नहीं कर रही हैं तो आप क्या करते हैं, एस और टी फाइंड करते हैं. पहले दोनों कंपोनेंट्स में से एस और टी फाइंड करते हैं. उसको कहाँ पे चेक जाके पुट करते हैं, जी कंपोनेंट, दोनों लाइंस के जी कंपोनेंट्स में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों के जी कंपोनेंट्स इक्वल आते हैं या नहीं आते. अगर इक्वल आ जाते हैं तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, येस. अगर नहीं आते तो फिर क्या करती हैं, नो, इंटरसेक्ट नहीं कर रही. ठीक है जी. मैं ऐसे में ये क्वेश्चन इसके अंदर से समझाना चाह रहा था कि कब इंटरसेक्ट करती हैं और कब नहीं इंटरसेक्ट करती. आई थिंक सो, एक मिनट. यस, ये क्वेश्चन नंबर, ये ज़रा देखें, ये लाइन, ये क्वेश्चन पढ़ें इसका, फिर मैं आगे इसके क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ और ये आप लोग असाइनमेंट में करेंगे. गिवन टू लाइंस इन स्पेस, इधर दे आर पैरेलल, दे इंटरसेक्ट और दे आर स्क्यू. अब देखें, जब आप प्लेन में होते हैं ना, प्लेन में एक चीज़ कन्फर्म है कि दो लाइन्स या पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी. बट स्पेस के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि एक दो लाइन्स जो है वो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, स्क्यू भी हो सकती हैं. स्पेस के अंदर दो लाइंस ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट या पैरेलल होंगी, वो स्क्यू भी हो सकती हैं. स्क्यू का मतलब क्या है, ना पैरेलल होंगी ना इंटरसेक्ट कर रही होंगी. ठीक है, प्लेन के अंदर ये चीज़ कंफर्म है कि वो क्या होंगी, ज़रूर इंटरसेक्ट कर रही होंगी या पैरेलल होंगी. बट जब स्पेस के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट कर रही हो. ठीक है, और यही केस अब आपका यहाँ पे आ रहा है 61 और 62. उसने कहा है कि ये दो दो लाइंस करके चेक करें कि ये कौन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही हैं और कौन कौन सी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. सो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने दोनों पार्ट्स इसके क्वेश्चन 61 में तीन लाइंस हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ये नहीं कर रही. क्वेश्चन नंबर 62 में तीन लाइंस हैं, दो दो करके आपने देखें, दो दो करके चेक करना है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ये नहीं कर रही. पैरेलल कब होंगी, जब दोनों का जो वैक्टर है वो पैरेलल होगा, इक्वल होगा. दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैक्टर है वो इक्वल होगा या वो कांस्टेंट मल्टीपल होगा. ऑब्वियसली कांस्टेंट मल्टीपल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. और जो है इंटरसेक्ट कब कर रही होंगी, जब दो में से एस और टी की वैल्यू फाइंड करें और तीसरे में जाके पुट करें तो वो वही दोनों का आंसर इक्वल आ जाए.
61 और 62 बेशक लिख लें, ये क्वेश्चन आप लोगों ने दोनों करके देने हैं मुझे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिलेंडर्स एंड दिस थ्री डायमेंशन में है ये सारी चीज़ें, इसमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये नहीं हैं, मैं उस पर जाना चाह रहा था ताकि आपकी डीजी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत कवर हो जाए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है, नॉर्मल बाई नॉर्मल और टेंजेंट प्लेन्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे कवर हो सकें। बेशक आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी, ये मेरे ख्याल में आप वेक्टर एनालिसिस में करके आए हैं, किया है या नहीं किया? ये वही कॉन्सेप्ट है ना या नहीं है? वेक्टर एनालिसिस में डेरिवेटिव वेक्टर्स का, वेक्टर फंक्शंस का डेरिवेटिव, वेक्टर फंक्शंस का इंटीग्रेशन, लिमिट कैसे फाइंड करनी है जी? मुझे नहीं जवाब आया। क्या ये रूल्स वहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में आपने डिस्कस किए हैं? क्योंकि मैं आपके वेक्टर्स के लेक्चर नहीं नोट कर रहा हूँ, ले रहा था सर। किए हुए हैं ये सारे रूल्स, ऊपर जो आप दिखा रहे थे वो नहीं लग रहा है। क्या चीज़? क्या सर, ये जो रूल्स का टेबल है ये किया हुआ है हमने वेक्टर ऊपर, क्या चीज़ नहीं की हुई सर? वो आपने बहुत जल्दी जल्दी किया है तो मुझे समझ नहीं आया। इसमें डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है वेक्टर फंक्शन का, ये बताया गया। यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या होती है वेक्टर फंक्शन की, और ठीक है मैं इसको स्किप करता जाता हूँ आगे। इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल आप वहाँ पे ऑब्वियसली करके आए होंगे वेक्टर एनालिसिस में, किया हुआ इंटीग्रल वेक्टर फंक्शन का? कंटिन्यूटी तो नहीं। रोहिन बात कर रही है, देखिए रोहिन इसमें ना वही चीज़ होती है कंटिन्यूटी आप वेक्टर फंक्शन की, वही जो सिंपल फंक्शन में आप देख रहे होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। किसी भी डोमेन पॉइंट पे अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वही चीज़ है, आप लिमिट चेक करते हैं और उसकी फंक्शनल वैल्यू उसकी इक्वल आनी चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि हम कंपोनेंट वाइज उसको चेक कर रहे होते हैं। इसमें एक मिनट ये तो रूल्स हैं, ये किया है उधर r.dr/dt इज इक्वल टू, यस सर, zr भट्टी की बुक में किया, उसमें किया हुआ आपने, ठीक है जी। इनडेफिनिट इंटीग्रल, फिजिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये चीज़ें मुझे नहीं आती, आप में से अगर कोई एक्सप्लेन कर दे। ये क्या बातें कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वी नॉट कॉज अल्फा सर, ये सेकंड ईयर वाली फिजिक्स में है ना? फिजिक्स में है ना, हम तो मैथ कर रहे हैं, मुझे नहीं आती। इसमें ये वेक्टर फॉर्म में है, वो आप अफसा जो बात कर रही है वो सिंपल है, ये वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन बात कर रहे हैं। हाइट और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला चले मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी टेबल जो है, क्योंकि MCQs में ये भी पूछा जा सकता है,
अच्छा जी, आर्क लेंथ। x कंपोनेंट का डेरिवेटिव का स्क्वायर, y कंपोनेंट डेरिवेटिव का स्क्वायर, z कंपोनेंट डेरिवेटिव का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अगर आपके पास वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में स्मूथ कर्व गिवन है, आपको कहा जाता है उसके लेंथ फाइंड करें, तो ये फार्मूला है। ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ही है ना, डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। डेरिवेटिव ले लें उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो वो यही स्क्वायर रूट और ये आ जाता है, एक ही चीज़ है, दोनों दोनों फार्मूलाज एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब ये है कि अगर आपको वेरिएबल पॉइंट ऊपर दे दिया जाता है, कि ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ये पार्ट है, ये पार्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। कि अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाए पैरामेट्रिक फॉर्म में और आपको कहा जाए कि इसकी लेंथ फाइंड करें आर्बिट्रेरी, मींस लिमिट्स ना दिए मानो, तो आप टी नॉट से टी तक कैसे फाइंड करते हैं, वो ये मेथड है। आप एस ऑफ टी मींस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होगा। अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ टी आई प्लस साइन ऑफ टी आई प्लस टी के, आपको कहा जाता है टी नॉट इक्वल टू जीरो लेने और इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है अराउंड द हेल। अब ये क्या है, हेलिक्स है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी साथ साथ कवर करते थे। शायद यहाँ पे एक मिनट, इसकी फिगर बनी होगी, बनी हुई होनी चाहिए। हेलिक्स बेसिकली क्या है, सिलेंडर होता है आपका, वो जो है ना वो एक आप सिलेंडर टाइप ही होता है, बट इस तरह करके रोटेट करता जाता है, ये चीज़ होती है, इस तरह करके रोटेट करता जाता है, मतलब आप स्प्रिंग की कंसेप्ट में ले सकते हैं उसको। इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट टू टी आ जाएगी, टी अब आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, एस ऑफ टी, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है। सर आज कितना पढ़ना है? जब तक आप लोग मुझे हाथ ना उठा के कह दें तब तक पढ़ते रहना। सर एक हो गया सर, अब बस हो गई सर, 3 घंटे हो गए हैं, तो बहुत कम है। आदिल साहब क्या कह रहे हैं, आदिल साहब पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं। चलें जी ठीक है, आप लोग एंड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं।